लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंजीनियर मोहन कुमार स्पीकिंग। सर, मैं सुपरवाइजर सुंदरलाल बोल रहा हूँ। बोलो सुंदर, क्या बात है? सर, आपका शक बहुत सही निकला। स्टेडियम साइट के गोदाम से स्टील और सीमेंट पार्सल हो रहा है सर। और सर, ठेकेदार गजेंद्र सिंह और मदनलाल भी वहाँ मौजूद हैं। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का बहुत अच्छा मौका है सर, आप फौरन चले आइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सड़क पर जीप रोक करके खड़े हो, हटाओ ये जीप इधर से, हटाओ। अरे सुनता नहीं, हटाओ। क्या हो रहा है ये जीप यहाँ पर क्या कर रही है? धक्का मार के बाहर निकालो यहाँ से। मोहन बाबू, आप और यहाँ इस वक्त? हाँ, इस वक्त सरकारी सामान की चोरी करके काला बाजार में बेचने वाले चोरों को इसी वक्त पकड़ा जाता है। चोरी, कालाबाजारी? मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? किसकी इजाजत से माल सरकारी गोदाम के बाहर निकाला? हाँ, किस लिए? कि आप क्या कह रहे हैं मोहन बाबू? बनो मत गजेंद्र, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। मैं कई दिनों से इसी मौके की तलाश में था। तुम सरकार से ठेके लेते हो, सरकार से पैसे लेते हो और सरकारी माल में घपले भी करते हो। ठीक है मोहन बाबू, अब आप जाने गए हैं तो मेरा ये मशवरा है कि आप हमारे साथ मिल जाइए। जो कुछ भी पाएंगे उसे बिल बांट कर खा लेंगे हम लोग। नहीं, मैं मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। तुम जैसे लोगों ने इस देश की संपत्ति का सर्वनाश किया है, इस देश की खुशहाली को बर्बाद किया है। तुम इस देश के गद्दार हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ देशभक्त इंजीनियर, जोश को ठंडा करो, होश में आओ, अक्ल से काम लो, अक्ल से हमारी बात मान लो, फायदे में रहोगे। वरना मेरा नाम तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, मदन लाल ताबेदार नाम है मेरा। हमारी ताबेदारी कबूल कर लो, वरना सरकारी ताबेदारी के भी लायक नहीं रहोगे। तुम मुझे लालच देकर रिझाने या धमकी देकर डराने की कोशिश मत करो। सीधी तरह ये ट्रक वापस गोडाउन में ले जाकर माल रखवा दो, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? हा? क्या करूंगा अभी बताता हूँ। Ha!
साला भगवान को ताबेदार हो गया। भाई साहब, ये जोकर कौन है? ये जोकर क्या है? ये जोकर है वो कम है। मतलब? मतलब ये बड़ा भुलक्कड़ किस्म का इंसान है। कभी सिर्फ कमीज पहन के आ जाता है, कभी सिर्फ पैजामा, और कभी कुछ भी नहीं। मगर ये है कौन? ये अपने बड़े डॉक्टर विजय साहब के असिस्टेंट डॉक्टर ज्ञानेश्वर है। मैडम चलो घूम जाओ। क्यों, मेरा खून करना है क्या? खून? हम क्या खूनी है, हम तो डॉक्टर हैं, इंजेक्शन लगाने आए हैं, मस्के की तरह। खाक मस्के की तरह। कल एक मरीज को तुमने इंजेक्शन की जगह इतना बड़ा स्क्रू ड्राइवर घुसर दिया था। वो असल में क्या है ना कि उस दिन मेरे पास दो काम थे। हाँ। एक कबाट में स्क्रू लगाना था, एक हाँ। मरीज को इंजेक्शन लगाना था, तो हाँ। वो काम जरा उलट हो गए। हे राम, तो तुमने कबाट में इंजेक्शन दे दिया और मरीज के स्क्रू ड्राइवर घुसर दिया। इंसान है, थोड़ी गलती तो हो जाती है। हाँ। लेकिन आज नहीं होगी, आज तो बिल्कुल मस्के की तरह इंजेक्शन लगाऊंगा। चलो घूम जाओ। देखो दुखाना नहीं है? नहीं, तुमको तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब चाकू घुसेरा। नहीं मतलब ये क्या चीज है? इंजेक्शन। हाँ इंजेक्शन। चलो घूम जाओ। अरे घूमो, इतना टाइम थोड़ी है, सब मरीज बाकी है अभी। अच्छा मैं मदद करता हूँ, ठहरो। ज्ञानेश्वर, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। तुम कैसे भुला करो, तुम्हारा नाम ही तो ज्ञानेश्वर है। मेरा एट ओह यस, आई एम सॉरी, हाउ आर यू? बिहेव योरसेल्फ। मैं इंजेक्शन दे के आता हूँ। ये इंजेक्शन इसका नहीं है। ये मोटी का है ना? नहीं, तुम्हारा है। मेरा किधर से है? बड़े डॉक्टर ने दिया था ना तुम्हें याददाश्त के लिए। ये वो इंजेक्शन है? हाँ जी, और अगर तुम इसे लगा देते तो मोटी मर जाती। थैंक यू, तुमने मुझे मुसीबत से बचा लिया। वो तो हमेशा करती हूँ। योर अटेंशन प्लीज, डॉक्टर ज्ञानेश्वर जहाँ कहीं भी हो कैजुअलिटी में चले आए। जाइए अपना हुलिया ठीक करके, बटन लगा के, समझे? मर गए, खुश नसीब थे बेचारे, इस बेईमान और रिश्वत खोर दुनिया से छुटकारा पा गए। अरे डॉक्टर विजय को फौरन खबर करनी पड़ेगी। Yes. Okay. Hello. सर, इनके दिमाग निकलवा कर हॉस्पिटल के डीप फ्रीज में रखवा दें? नहीं, कोई जरूरत नहीं। सर, आप जो ब्रेन ट्रांसप्लांट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एक आदमी का ब्रेन निकाल कर उसको संभाल के रखा जाता है, फिर बाद में जरूरत पड़ने पर दूसरे को लगा दिया जाता है, तो क्या उसमें इनका ब्रेन काम नहीं आएगा? ब्रेन ट्रांसप्लांट करने के लिए दिमाग पूरा चाहिए। इनके सर पर इतनी चोटें आई हैं कि अब इनके ब्रेन डैमेज हो चुके हैं। बिल्कुल डैमेज हो गया। हाँ, चलो इनके पोस्टमार्टम की तैयारी करो। यस। इंस्पेक्टर साहब, सुंदर और मोहन की मौत गहराई में गिरने और सर पर जबरदस्त चोट लगने के कारण ऑन द स्पॉट हुई है। इसकी ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। मुबारक हो पार्टनर, मुबारक हो, बधाई हो। क्या बात है बरखुरदार, आज सवेरे सवेरे तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, कोई नई लड़की फांसी है क्या? अरे प्यारे, कोई लड़की नहीं फांसी है, बल्कि फांसी की लटकी से बच गए हम लोग। मतलब? ये पेपर नहीं पढ़ा तुमने? वो जो सरकारी आदमी जिन्हें हमने अपनी मेहरबानियों से और तुम्हारी ताबीदारी से पहाड़ी के नीचे खाई में धकेल दिया था, पुलिस और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था। उनकी मौत में ना किसी का कोई हाथ है, ना उनकी मौत पर पुलिस को किसी पर कोई शक है। भाई हमारा तो असूल ही है कि दुश्मनों को भी साफ करो और अपने दामन भी साफ रखो। सर 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 चिल्ला क्यों रहे? सर मैं खुशी के मारे चिल्ला रहा हूँ, मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा, आप उड़ के मेरा मुंह चूम लेंगे सर। व्हाट नॉनसेंस है? ओ माफ करना सर, मेरा मतलब है आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे सर। सच क्या निश्वर? सर आपकी महबूबा आ रही है, मोहब्बत के पर लगाकर हमेशा आपके पास रहने के लिए सर।
अरे क्या बकवास कर रहा है ज्ञानेश्वर, इतना दिमाग का इलाज करवाता है, एक पैसे का फायदा नहीं हुआ तुझे? शर्म नहीं आती तुझे? मेरी महबूबा कहाँ से आ गई? हाँ आप खाम खाम मुझे डांट रहे हैं, मुझे मालूम है आपकी महबूबा आ रही आ रही आ रही। देख देख मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। फोड़ डालो, मगर मेरे पास भी कड़क सबूत है। कड़क सबूत मतलब ठोस सबूत है। ठोस सबूत दिखाऊं? दिखाओ। खा गया? खा गया। ओ ये 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 देखिए, ये टेलीग्राम नहीं। माय डियर जानेमन, आई एम कमिंग टू मीट यू। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। एंड विल स्टे विद यू फॉरएवर। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मीट मी एट द स्टेशन। मुझे स्टेशन पे मिलना। ऑन फ्राइडे 9 AM शुक्रवार को सुबह 9 बजे। योर्स तुम्हारी अमर कुमार। अमर कुमारी? कुमारी नहीं, अमर कुमार। यार के आगे आई लगा हुआ है ना? अरे ये आई नहीं, फुल स्टॉप की लकीर है ज्ञानेश्वर, फुल स्टॉप की लकीर। तुम अपना नाम ज्ञानेश्वर से बदलकर बुद्धेश्वर क्यों नहीं रख लेते हैं? मरे चला जा रहा है शादी के लिए, मरे चला जा रहा है, इसलिए 24 घंटे सर पे लड़कियों का भूत सवार रहता है। बेवकूफ, ये किसी लड़की का टेलीग्राम नहीं, मेरे बचपन का दोस्त, मेरे सबसे अजीज साथी, मेरे यार का नाम है अमर। मतलब महबूबा नहीं आ रही है? जी हाँ, महबूबा नहीं, महबूब आ रहा है। तू तू मुंह का मजा खराब हो गया। हाँ, इसका मतलब फिर कोई डॉक्टर आ रहा है यहाँ रहने के लिए? अरे डॉक्टर नहीं, इंजीनियर आ रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट। और जो उसने लिखा है कि हमेशा के लिए यहाँ रहने आ रहा हूँ, उसका मतलब है उसका यहाँ ट्रांसफर हो गया है। आपका दोस्त है? जी। तो चलो, मैंने कुछ ज्यादा गलती थोड़ी की। नहीं। सहेला था उसको मैंने सहेली कर दिया, दिल लगा था उसको मैंने दिल लगी कर दिया। अच्छा है ना सर, मेरे पास ये है ना। वेरी गुड। हेलो मिस्टर इंजीनियर, कैसा है यार? अरे अरे हाथ तो नहीं यार, हाथ तो मिला। सो हिसाब बराबर। अच्छा तुझे मेरे आने का टेलीग्राम नहीं मिला था? मिला था। बे साले, बे मुरब्बत, बे शर्म, बे हाया, सुबह होने से पहले तुझे अपना आलीशान खटाना लेकर यहाँ पड़े रहना चाहिए था मेरे इंतजार में। वाह 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 वाह, क्या बात है। अबे साले इंजीनियर क्या हो गया, दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया तेरा? तेरी अरे रे 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 भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मजाक। बोल प्यारे, तेरा हाल क्या है? बस कल तक तो सिर्फ जिंदा था यार, अब तो आ गया, जी उठा। अच्छा ये बता, तेरा वो चीर फाड़ का धंधा कैसा चल रहा है? अरे भाई, ऊपर वाले की मेहरबानी है, अब तक जितनों को चीरा है हर एक जी रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ, एनी प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बचपन का दोस्त मिल गया तो बचपन वापस आ गया। थैंक यू। अच्छा चलता हूँ। चल भाई यहाँ से चल, वरना अपनी दोस्ती को लोग नजर लगाएंगे। हाँ चल 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 भाई, आ गया अपना गरीब खाना। ये हमारे खास दोस्त हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर। हेलो, आपकी तारीफ? इनकी तारीफ? अरे मैं स्टेशन किसको लेने गया था। आप स्टेशन कब गए थे? अरे टेलीग्राम किसका आया था? किसी का भी नहीं। गोली खाई? कौन सी गोली? बंदूक की गोली। अच्छा अच्छा। ए रामू, इधर। रामू। जी साहब। रामू साहब बुला रहे। इधर आओ, इन्हें ले जाकर गोली खिलाओ। अच्छा। जाओ आइए। जाओ भाई जाओ। मुझे बाप, ए कुछ गड़बड़ है? कुछ? अरे भाई यहाँ तो गड़बड़ी गड़बड़ है, सर से लेकर पांव तक गड़बड़ी गड़बड़ है। खड़े खड़े याददाश्त भूल जाता है, पहचानने से इनकार कर देता है। अरे ये तो बड़े कमाल की चीज है, अपनी और इसकी बहुत जमेगी। चल यार। वाह ये तो बहुत अच्छा घर है। पसंद आया? एक्सीलेंट। चलो इंजीनियर को पसंद आया तो अच्छा ही होगा। कम सर, अमर बाबू नहीं है, मैं कब से हार लेकर घूम रहा हूँ। अरे मेरे चाचा, तो ये कौन है? कौन है? कौन है? अरे यही तो अमर है। अच्छा आप अमर बाबू हैं? अरे वाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। दोबारा मिलकर? दोबारा? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। और बाहर कौन मिला? मैं नहीं मिला। अरे forget it यार, प्लीज यहाँ से। अच्छा ये बता, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वही सर, मैंने बचपन से बोल रहा हूँ कि आप शादी क्यों नहीं करते, कर लो ना कर लो ना, बोलते मैं नहीं करूंगा। बताओ क्यों भाई, क्यों नहीं करता? भाई देख, जब तक मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा। अरे हाँ हाँ, कहाँ तक पहुंचा तेरा वो
कहां तक पहुंचा तेरा वो ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट? अरे मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है यार, और मुझे यकीन है कि मैं कामयाब भी हो जाऊंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक मरे हुए इंसान का दिमाग तो मरा हुआ होता है, तो एक जिंदा इंसान के सिर में कैसे लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि कुदरत ने दिमाग को जिस्म से ज्यादा जिंदगी दी है। दिल की धड़कन बंद होने के बाद भी 36 घंटे तक इंसान का दिमाग जिंदा रहता है, उसकी इलेक्ट्रिकल वेव्स, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स बराबर काम करती रहती है। इसलिए आदमी मरने के बाद 36 घंटे के अंदर अंदर उसका दिमाग निकालकर प्रिजर्व कर दिया जाए तो किसी दूसरे आदमी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है। अगर ऐसा होता है तो किसी को पकड़कर अपना ये तजुर्बा तो कामयाब क्यों नहीं कर लेता? इसके लिए दो आदमियों की जरूरत पड़ती है, एक जिसका ब्रेन डैमेज हो जाए और दूसरा जिसका इंटेलिजेंट नॉर्मल ब्रेन हो, जो हमने पहले से हिफाजत में रखा है। मतलब एक मरीज जिसका दिमाग निकाल लिया जाए और दूसरा मरीज जिसको वो दिमाग लगाया जाए, करेक्ट? करेक्ट। तो ऐसा मरीज तो तुझे कहीं भी मिल जाएगा, मेरा दिमाग निकल ले और तजुर्बा कर ले। देख मारूंगा, हाँ बेहुदा बातें मत करना। अरे बेहुदा क्यों भाई, मेरा दिमाग कोई फालतू है, वन पीस है, इंटेलिजेंट, एक्सीलेंट, पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट, दोस्ती, जज्बात, प्यार, मोहब्बत में नंबर वन, पेशे में ईमानदार, वतन का वफादार, लड़ाई में दमदार, बिल्कुल नेपोलियन की तरह, चलेगा? बकवास बंद करता है कि नहीं? आते ही पहले दिन रुलाएगा क्या? अरे वाह, दूसरों को काटेगा तो कुछ नहीं, दोस्त को काटेगा तो रोना आ जाएगा। बड़ा कमजोर दिल का फाड़ू निकला तू। अरे तू मेरी बातें छोड़ यार, ये बता तूने शादी क्यों नहीं की? हाँ? अरे हमसे शादी कौन करेगा यार? क्यों? हम ठहरे सरकारी नौकर, हाँ? 6 महीने से ज्यादा नौकरी टिकने ही नहीं देती। हालत यह है कि किसी लड़की से प्रेम का इजहार किया और उसके प्रेम का जवाब आने से पहले ही हमारा टी डांस पार। ये बात है क्या? जरा हाथ तो दिखा। अरे वाह, इसमें तो शादी की बड़ी स्ट्रांग लकीर है यार। अरे छोड़ना यार। सर मेरा देखिए ना, ज्ञानेश्वर इस हाथ का तो नहीं, इस हाथ की गारंटी देता हूँ कि मेरे हाथ में तो तुम ही लिखे हो। वो हाथ छोड़ी ना, मेरा हाथ देखिए। अरे ज्ञानेश्वर पहले इनका। नहीं सर, मैं मर रहा हूँ, मैं शादी के लिए मर रहा हूँ सर। अरे वो मर जाएगी, तुम नहीं। मरने दो, अपन दूसरी कर लेंगे सर। ज्ञानेश्वर प्लीज प्लीज। हाँ तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्त कि इसी शहर में तुम्हें एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिससे तुम्हारा प्यार होगा और शादी भी। इंजीनियर इधर है, इधर। साहब, वो ठेकेदार साहब आ गए। खुशामदीद, वेलकम ना इंजीनियर साहब। हम दिल की गहराइयों से, प्रेम की ऊंचाइयों से आपका स्वागत करते हैं। हार। सेक्सी हार। शुक्रिया। वाह वाह वाह, हमने अपनी जिंदगी में बहुत से इंजीनियर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा हैंडसम इंजीनियर हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। नहीं नहीं देखा। तो आप अमर हैं। अमर कुमार शर्मा, पूरा नाम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इनसे मिली। ये ठाकुर गजेंद्र सिंह हैं, सूर्यवंशी राजा सिकंदर लाल के सपुत्र हैं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनकी जितनी भी तारीफ करो कम है। हाथ में डंडा पकड़वा दो तो जमींदार बन जाते हैं, सर पे टोपी पहना दो तो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, डंडा फेंक कर इनको धोती पहना दो तो किसान बन जाते हैं। और डंडा क्या बकवास कर रहे हो पार्टनर? बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। इसे ये तो नहीं बताया कि आपने 4 लड़कियों का बलात्कार करके उनका खून कर दिया था। इसे ये तो नहीं बताया कि इससे पहले वाले इंजीनियर और सुपरवाइजर को हम दोनों ने जान से मार दिया था। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोई तारीफ करता है तो इनको अच्छा नहीं लगता। इन शॉर्ट, ये यहाँ के बहुत बड़े ठेकेदार, जमींदार, मालदार, इज्जतदार हैं, यानी कि बहुत सारे दार हैं। और आप? मैं तो एक छोटा सा ताबेदार हूँ। किसके? आपका। दरअसल मेरा नाम है मदन लाल ताबेदार, ठेकेदारी में मैं इनका हिस्सेदार हूँ, पार्टनर हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे लायक और काबिल इंजीनियर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना हम तो मजदूर हैं, नौकरी सरकार की करते हैं, सेवा जनता की, और इस उम्मीद से ये आए हैं कि आप लोगों के सहयोग से स्टेडियम को सही वक्त पर पूरा कर सके। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हमारी तरफ से आपको पूरी कोऑपरेशन मिलेगी, जो कुछ भी करेंगे मिल बांट कर करेंगे। बिल्कुल, 4 पैसे हम कमाएंगे, 2 पैसे आप भी कमाइएगा जी। कुछ नहीं, ये सब आपको धीरे धीरे बाद में समझाएंगे, फिलहाल चलिए, आज दोपहर का खाना आपका, हमारे साथ। सॉरी,
आज मेरा पहला दिन है, मैं अपने मजदूर भाइयों के साथ खाना खाऊंगा। माफ कीजिएगा, फिर कभी। चलो। ठंडा लगता है। सीधा कर देंगे। आशा, आशा। यस मॉम। जरा बेटा इसे संभालना तो। आटा? हाँ हाँ आटा। आटा? हाँ, चल बैठ। हमारा बॉल दे दो प्लीज। देखो अब की बार अगर बॉल इधर आया ना तो पंक्चर करके बाहर फेंक दूंगा, ठीक है? तुम्हारा बॉल? हाँ। अच्छा ये कोई बॉल खेलने की जगह? हाँ? आटा तो खराब कर दिया, साथ में मेरा चेहरा भी खराब कर दिया। इधर इधर ये बॉल कैसे फेंका बोलो? नहीं दीदी हमने नहीं फेंका। झूठ बोलते हो तुम। कसम से दीदी हमने बॉल नहीं फेंका। नहीं फेंका तो किसने फेंका? बाजू के घर में नए अंकल आए ना, उन्होंने फेंका। उन्होंने फेंका? अंकल? नया अंकल? कल तक तो कोई नहीं था, आज ही कौन आ गया बदतमीज? जरा मैं भी तो देखूं। ए मिस्टर, ये बॉल तुमने मेरे घर में क्यों फेंका? देखो देखो मेरे चेहरे की क्या हालत हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती पड़ोसियों को ऐसे सताते हुए? देखिए मैडम मैंने जानबूझकर नहीं फेंका है, ये बच्चे लोग बॉल मार मार कर मुझे इतना परेशान कर रहे थे कि गुस्से में आकर मैंने बॉल को लात मारी और शायद गलती से आपके घर पहुंच गया होगा। क्यों भाई? शर्म तो फिर फेंकना था, मेरे घर में क्यों फेंका? अरे मैडम निशाना अगर इतना पक्का होता तो वर्ल्ड कप में फुटबॉल मैच खेलने नहीं चला जाता। यू शट अप। देखिए अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं अपने हाथों से आपका चेहरा साफ कर देता हूँ। ओके? चुप। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपने हाथों से मेरा चेहरा साफ करोगे? न जान न पहचान लड़की के चेहरे को हाथ लगाओगे? अरे नहीं बाबा मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। तुम लोग क्या हाँ में हाँ मिला रहे हो? और तुम क्या गलत बात नहीं है, एक जवान लड़की के चेहरे को हाथ लगाना सही बात है। अच्छा तुम जवान लड़की हो? तो क्या मैं बुढ़ी लगती हूँ? तेरी तो मैं क्या बुढ़ी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं ये, तुम तो दूध पीती बच्ची हो। क्या कहा? मैं बच्ची हूँ, बोतल से दूध पीती हूँ? अरे नहीं नहीं, अरे यार कमाल है यार, तुम तो किसी एंगल से मानने को राजी नहीं, तुम लड़कियों की लड़ाकू। क्या कहा? लड़ाकू? मैं लड़ाकू हूँ? अभी बताती मैं क्या हूँ। ये क्या हरकत है? This is very bad. Very bad, no, very good. तुमने कहा कैसे कि तुम अपने हाथ से मेरा चेहरा साफ करोगे? अरे कमाल है, घूम फिर के वही वापस आ गई। अरे साफ नहीं कराना तो मत कराओ, कहो तो और लगा देता हूँ। बदतमीज, तुमने जानबूझकर मेरे सीने पे बॉल मारा, लोफर बदमाश जंगली जानवर। अरे ये तो गाली पर उतर आई। हाथ जल हाथ, यू स्काउंडरल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने के? अरे मैं तो तुम्हें उठने के लिए मदद कर रहा था। तुम होते कौन हो मुझे उठाने वाले? अरे तुम्हारा गुस्सा तो नाक पर रखा हुआ है, अब ये बताओ तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? कुछ मत करो, अपने हाथ में रहो, तुम इसके अंदर रहो, और अगर इस एरिया में रहना है तो शराफत से रहो, समझे? कमाल लड़की है, गले ही पड़ गई यार। क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब सांस बहुत तकलीफ है। समझ गया, सांस लो और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से। Mm-hmm.
लगता कोई बड़ी मछली फंसी होगी। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच, जल परी। ए, ये क्या है? आ, तुम पड़ोस की आटे वाली, आज मिजाज कैसे हैं? मिजाज के बच्चे, तबीयत तो ठीक है ना? आहा, क्या सुडोल बदन है, ऐसा चिकना के नजर फिसल जाए, और नजर फिसलते ही लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नजर में प्यार। Hey, look, मिस्टर, मैं तुम्हारी तबीयत पूछ रही हूँ। मेरी तबीयत? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो ब्लड प्रेशर, नो कॉन्स्टिपेशन। मेरी कमर? कमर? क्या कमर है, जवाब नहीं। यू इडियट, मेरी कमर में तुम्हारा गल फंसा हुआ है और घुसता जा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा चलो मैं निकाल देता हूँ। खबरदार जो मेरे नजदीक आए तो मैं खुद निकाल लूंगी। बेशरम, क्यों कैसी लगी? स्वीट, वेरी स्वीट। हाय आशा। हाय। अरे आशा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये यस यस यस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा मतलब गर्लफ्रेंड। शट अप, बकवास बंद करो। ये, अरे देखो देखो, ये तो अपने बॉयफ्रेंड के घर में फंस गई है। हाउ डेयर यू। ए, किसी के हाथ नहीं आती थी ना, मछली की तरह फिसल के निकल जाती थी। अब मिल गया ना तुझे अपनी गल में फंसाने वाला। आई किल यू। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। ए मिस्टर, ये क्या हरकत है? हरकत? अरे इसमें हरकत की क्या बात है, अब इतना अच्छा वायलिन बजा रही थी, ऑटोमेटिक मुंह से गाना निकल गया। तो आप अपनी शरारत से बाज नहीं आएंगे? ये क्या बात हुई, आप वायलिन बजाए तो कुछ नहीं और मैं गाना गाऊं तो शरारत हो गई? आपके गाने की आवाज यहाँ तक आ रही है और आपके वायलिन की आवाज यहाँ से भी आगे जा रही है। मैं वायलिन का रियाज कर रही हूँ और मैं गला छिलने का रियाज कर रहा हूँ। आप बड़े छिछोरे किस्म के आदमी लगते हैं। मेरी भी आपके बारे में यही राय है। एक जवान लड़की को अकेले देखकर गाना गाना बदतमीजी है और एक जवान लड़के को देखकर वायलिन बजाना भी बदतमीजी है। Shut up. You shut up. You shut up. You. कमाल है, आप तो बेगर्मी की आग पकड़ती हैं। ये गीत मैंने आपको देखा नहीं, आपकी वायलिन को नहीं, आपकी वायलिन से जो धुन निकल रही थी उसने मेरे मन के तारों को हिला दिया और होठों से खुद ब खुद गीत निकल गया। जैसे समंदर के लहरों को कोई पकड़ नहीं सकता, उसी तरह जबान पर आए गीत को कोई जकड़ नहीं सकता। होय 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 होय, बातों के अंदाज से तो ऐसा लगता है जैसे जनाब कवि कालिदास के चेले रह चुके हैं। अगर आप इतने ही बड़े कलाकार हैं तो किसी दूसरे के लिखे हुए गीत क्यों गाते हैं? अपना गीत गाइए, इस माहौल को मन में डुबाइए, अंदर से लहर उठाइए और होठों से गीत गुनगुनाइए। क्यों, क्या हुआ? अंदर लहर नहीं उठ रही है, मन के सागर का पानी बर्फ बन गया है। क्यों? सपनों में देखा था, ख्यालों में देखा था, सपनों में देखा था, ख्यालों में देखा था, चोरी चोरी आया था, अरे आंखों में समाया था,
वो जाने मन वो जाने जा वो जाने जिगर से किस तू छल दे और कुछ दे न दे है प्यार का रुमाल दे लाल लाल होठ से किस तू छल दे और कुछ दे न दे प्यार का रुमाल दे ख्यालों में देखा था चोरी चोरी आया था आंखों में समाया था वो जाने मन वो जाने जा वो जाने जिगर चार दिन वक्त न बेकार कर सोच के मिलेगा क्या प्यार कर जवानी के चार दिन वक्त न बेकार कर सोच के मिलेगा क्या अरे प्यार कर तू कजा था ख्यालों में देखा था चोरी चोरी आया था आंखों में समाया था वो जाने मन वो जाने जिगर साहब अरे ओ मैम साहब बर्फ की तरह क्यों जम गई कौन से सपने में खो गई अरे ये कमबख्त फिर यहां आ गया बाबा ये कौन है जो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ा रहा है अरे बेटे ये ठेकेदार गजेंद्र सिंह का बेटा है इतने दिन बाहर था तो यहाँ की जवान लड़कियां सुख शांति से रहती थी फिर वापस आ गया ये
बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई। जोगिंदर जिस लड़की के गले में मोतियों की माला डाल देता है वो लड़की फिर जोगिंदर की मोहब्बत का निवाला बन जाती है। चल अरे डैड, हाउ आर यू डैड, हाउ आर यू? वेरी नाइस, आई एम ऑल राइट सन, बिल्कुल ठीक। आप बताओ दिल्ली का कारोबार कैसे चल रहा है? अरे डैड, दिल्ली इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डैड, मेरी मंत्री जी से मुलाकात होगी, मैंने मामला बिल्कुल फिट कर दिया है। लाइसेंस तो मिल ही गया लेकिन उसके साथ साथ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट भी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा डैड, आपने यूं मुझे अचानक क्यों बुला लिया? देखो बेटे, आप सड़कों पर आवारागर्दी करना, रास्ते पर चलती हुई लड़कियों पर हार वार फेंकना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए और कहीं दाना फेंक कर आया हूँ। दाना? एक करोड़पति लड़की का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। सोनपुर के ठाकुर मंजीत सिंह की इकलौती बेटी है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसलिए अपनी हरकतों पर जरा काबू रखो। ओह डैड। अरे भाई थोड़े दिनों के लिए सही, मेरे मतलब है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती बेटे। ठीक है डैड, कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले से ही बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल होगी। मैं जानता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ। आप सोलियो माई सन। जी हाँ, मैं मदन लाल बोल रहा हूँ। मैं बंसी लाल बोल रहा हूँ। फरमाइए बंसी लाल जी, कैसे हैं आप? कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपके 20,000 तैयार हैं? हजूर, हम तो आपके ताबेदार हैं, कभी भी आइए और अपना पैसा ले जाइए। मैं जरा मसरूफ हूँ। मसरूफ हैं? आदमी भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उसे पैसा दे देंगे, हम तो आपके ताबेदार हैं। लेकिन बंसीलाल जी, मैं उस आदमी को पहचानूंगा कैसे? नीला कोट, ग्रे कलर पैंट, गले में टाई और चश्मा। गले में टाई लटकी है। ताबेदार हूँ, मेरी पीठ की ताबेदारी हो गई। अरे ये तो घर का होली ही बदल दिया, सारा फर्नीचर ही बदल के रख दिया। अरे ये कबाड़ तो नहीं था इधर पहले? अरे फ्रिज, ये तो टॉयलेट में था, नहीं मैं किचन में था, और इतना भरा हुआ। अरे क्या आदमी दद्दू मेरा नुकसान करेगा यार, ऐसा थोड़ी चलता है कि कुछ भी रख देना इधर। इसका बच्चे ले तो ये अमेरिका को खाली करके चाइना के हाथ में बेच देवे, ऐसा थोड़ी चलता है दुनिया में। सोफा खड़ा कर क्या? ओह ये एक्स्ट्रा कौन रख दिया इधर? वेलकम वेलकम वेलकम। कौन है? आप बैठिए ना। नहीं आप बैठिए ना। नहीं आप बैठिए ना। आप बैठिए ना। आप पहले बैठिए ना। आप बैठिए ना। हजूर मैं आपका ताबेदार हूँ। ओह आप ताबेदार हैं? अच्छा अच्छा, तो ताबेदार साहब। नहीं नहीं, मेरा नाम ताबेदार नहीं, मेरा नाम मदन लाल है। अच्छा, आपका नाम मदन लाल है? जी हाँ। तो फिर ये ताबेदार कौन है? मैं हूँ। अरे आप ताबेदार हैं? जी हाँ। तो मदन लाल कौन है? मदन लाल मेरा नाम है लेकिन मैं आपका ताबेदार हूँ। अरे आप मदन लाल है ना, साथ में ताबेदार भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी के दो नाम कैसे हो सकते हैं यार? फॉरगेट इट। मगर आप हैं कौन? बंसी लाल ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बंसी लाल ने? नहीं मुझे कुछ नहीं बताया। बड़ा बदतमीज आदमी है। एनीवे ये लीजिए। ये किस बात के पैसे? नीला कोट, ग्रे पैंट, टाई, चश्मा, आदमी तो वही है। आप ये लीजिए। अच्छा, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये आपको कौन दे रहा है? ये आप पैसे ले जाकर बंसी लाल को दे दीजिए, उसी ने तो आपको यहाँ पर भेजा है। अच्छा अच्छा, बंसीलाल ने मुझे यहाँ भेजा है? जी हाँ। मगर बंसीलाल ने कब भेजा मुझे यहाँ पर? आधा घंटा पहले। मगर मैं आधा घंटा पहले उससे नहीं मिला। तो आप कब मिले थे उनसे? कभी भी नहीं। What? मैं तो उनको पहचानता भी नहीं। उठिए यहाँ से, जाइए, उठिए। किधर उठिए, किधर जाइए? आप इस घर से बाहर चलिए। अच्छा मैं इस घर से जाऊँ? जी। तुम कौन हो तुम मुझे इस घर में से बाहर निकालने वाले? अच्छा तो ये घर आपका है? फिर ये घर मेरे दादाजी ने बनवाया था, यहाँ मेरे पिताजी पैदा हुए, फिर मैं पैदा हुआ, तो ये घर मेरा हुआ कि आपका हुआ? अरे ये घर मेरे परदादा ने बनवाया, मेरे दादाजी भी इधर पैदा हुए, उसके बाद मैं भी इधर पैदा हुआ। और तुम्हारे बाप? मालूम नहीं। हाँ जाओ यहाँ से बाहर। ये घर मेरा है। अरे ये घर मेरा है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा घर है। अरे चुप रहो तुम लोग, ये क्या हो रहा है?
ये कौन है? मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? वहां से क्यों निकली है? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हुआ आपने इसे अपनी पत्नी नहीं कहा है, सिर्फ अपना बेडरूम कहा है। देखिए भाभी जी, आप बताइए, ये मकान नंबर 27 है ना? जी हाँ। तो मेरा मकान है, मुझे बाहर निकाल रहे। कोई पागल आ गया। ये नेहरू नगर है ना? जी हाँ। कौन निकाल सकता है? नहीं कौर है। ये गांधी स्ट्रीट है ना? जी नहीं, इस स्ट्रीट का नाम है लाल बहादुर स्ट्रीट, समझे? तो गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी गए। अब भाई साहब आप भी जाइए, कुछ समझे के नहीं? समझ गया, स्ट्रीट की गड़बड़ हो गई। हाँ जाइए जाइए जाइए। अपने घर जा रहा हूँ। वो आपका घर नहीं है, मेरा बेडरूम है। बेडरूम आपका घर इधर है, चलिए यहाँ से बाहर चलिए। आप उल्लू का पट्टा जब देखो बेडरूम में घुसता है, बेडरूम में घुसता है। क्या है? ये पैसे। किस चीज के पैसे? आप अंदर थे तो मैंने आपकी फ्रिज में से ये थम्सअप निकाल के पिया था सर। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आराम नहीं होगा, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। आप ये पैसे रख लीजिए। थैंक यू सर। अब क्या है? वो 6 रुपए क्या थी, मैंने आपको 7 रुपए दिए, 1 रुपए वापस दो ना। इस मामले में आपकी याददाश्त बहुत तेज है, 1 रुपया याद रहता है और अपना घर याद नहीं रहता। छोटी सी गलती हर इंसान से हो जाती है। चलो 1 रुपया दो ना, मार दो गया ऐसा थोड़ी। अरे ये दो ना, ये लो 1 रुपया, जाओ मेरे बाप जाओ। आज शनिवार है सर। अब मेरी किताब रह गई, ले लूं? हाँ एक मिनट। ये आपकी किताब नहीं है, आपकी किताब ये है, ये हमारी बाटली है और ये हमारी किताब। और एक मिनट, क्या है कि ये बाटली और ये आपकी किताब। मैं डॉक्टर हूँ ना, यहाँ पर कोई बीमार नहीं है। जाइए, कभी मौका मिले तो मकान नंबर 27 शास्त्री नगर में जरूर आना है। अरे वो मेरा ही मकान है ये, शास्त्री नगर वाला, तुम्हारा गांधी स्ट्रीट में है। नमस्ते 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 मेरे बाप, नमस्ते। कल इस क्रेन को कमीशन कर दीजिएगा। सर दोपहर के बाद काम बंद करना पड़ेगा। क्यों? सीमेंट खत्म हो गया है। एक हफ्ते पहले तो 50 टन सीमेंट आया था। मदनलाल को बोलो गोडाउन से निकाल दे। उन्होंने ही तो कहा है कि सीमेंट खत्म हो गया है, काम बंद कर दो। ये क्या चक्कर है? जगदीश मदनलाल को बोलो कि पूरा सीमेंट का हिसाब लेकर फौरन मुझसे मिले। जी सर। छोड़ो ना ठाकुर साहब, विस्की में सोडा मिलाओ या पानी, सोडा मिलाओ या पानी, सोडा मिलाओ या पानी। खामोश, आधे घंटे से बकवास किया जा रहा है कि शराब में सोडा मिलाओ या पानी, सोडा मिलाओ या पानी। देख लेना, मैं शराब में पानी नहीं जवानी मिला रहा हूँ। साहब साहब क्या है? आपको इंजीनियर साहब ने अभी बुलाया है, अभी और इसी वक्त। इंजीनियर ने मुझे बुलाया है? मुझे? जी हाँ, आपसे बहुत जरूरी काम है। उल्लू का पट्टा 2% का इंजीनियर मुझे अपने पास बुला रहा है, क्या मैं उसके बाप का नौकर हूँ? जाकर कह दो उस हरामजादे से इस बार तो माफ किए देता हूँ, दोबारा मुझे बुलाने की जरूरत की तो उससे जूते से मारूंगा जूते से। देखिए साहब, आप बड़े आदमी हैं, मगर इस तरह हमारे इंजीनियर साहब की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है आपको। क्या बोला साले? हराम की औलाद, कुत्ते मुझसे जबान चलाता है, मुझसे जबान चलाता है, हराम की औलाद मुझसे, चल यहाँ से, भाग जा यहाँ से हरामी साले। मगर उसने तुम्हें मारा क्यों? साहब मैंने तो उनको इतना ही कहा कि आपने उनको बुलाया, उस पर उन्होंने आपको गालियां दी, जब मैंने उनको गालियां देने से मना किया तो मुझे मारते ही चले गए। रमेश इसे हॉस्पिटल ले जाओ। जी सर। ये क्या बदतमीजी है? मेरे नीचे काम करने वाले एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर आपने हाथ कैसे उठाया? हाँ उठाया, क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर लूंगा वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप अपनी बेहुदा हरकत के लिए उससे माफी मांगिए। माफी? हम उस नौकर से माफी मांगेंगे? वो नौकर सरकार का है और आपको बुलाने का ऑर्डर वो मेरा लेकर आया था। इस इलाके में सिर्फ हमारा ऑर्डर चलता है, कोई माई का लाल हम पर ऑर्डर नहीं चला सकता है, और अगर हमारी मार से उसका 2 कतरा खून बह भी गया है तो ये लो, ये पैसा उसके पूरे खानदान के इलाज के लिए काफी है। मदला जी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अब चलकर उससे माफी मांग लीजिए। अगर नहीं मांगी तो आप इस दरवाजे की दहलीज पार नहीं कर सकते। हराम खोर, 2% का इंजीनियर हमें धमकी दे रहा है। अब
अब ये पैसे तू रख ले अपने इलाज के लिए। मिस्टर अमर, इस प्रोजेक्ट पर तुम मेरी मदद करने आए हो या मेरे साथियों से मारपीट करने आए हो? मैं पूछता हूं, तुमने मेरे पार्टनर मदन लाल पर हाथ क्यों उठाया? ये काम की जगह है, काम की बात कीजिए। बकवास कन्या तो फुर्सत में कर लेंगे, पहले मुझे सीमेंट और स्टील का हिसाब दीजिए। क्या? मैं हिसाब दिखाऊं? क्यों, आप कोई तुरम खान है? जी हाँ, सरकार से आपने कितना बैग सीमेंट मंगवाया, कितना कंस्ट्रक्शन में लगवाया और स्टॉक में कितना है, पूरा हिसाब देंगे। तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो? जी हाँ, आपसे मांग रहा हूँ। तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुझे दुनिया के सारे अकाउंट्स अच्छी तरह से आते हैं। सीमेंट और स्टील को कहाँ रखने हैं और मेरे खिलाफ जाने वालों का अकाउंट कैसे सेटल करना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। इसलिए मेरी तुमसे ये राय है कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। ठाकुर साहब, आप शायद मेरे अकाउंट के बारे में कुछ नहीं जानते। हिसाब किताब के तराजू के दोनों पलड़े अगर बराबर नहीं हुए ना, तो मैं अपना एक अकाउंट खोलता हूं और उसका नाम है धुलाई अकाउंट। फिर क्या ताबेदार, क्या ठेकेदार, कोई दार नहीं रहेगा। जाइए और प्यार से हिसाब किताब लेकर आइए। I will see you. नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। आशा तैयार हो गई? नहा रही है, अभी आती होगी। तुम लोग बैठो। अच्छा जी। क्या कोई है? कोई है? अरे अरे, रोको 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 रोको। क्या हुआ बेटा? हमारे घर में सांप घुस आया है, जरा उसे चल के भगा लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए। अरे कोई है, बचाओ, अरे बचाओ सांप। अरे बेटा, तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान अगर सांप से डरेगा तो हमें कौन बचाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो आपको दिखा रहा था कि सांप देखकर लोग कैसे चिल्लाते होंगे। एनीवे बहन, कहाँ है सांप? आइए बहन, कहाँ है सांप? कहाँ है? हेलो सांप जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, माय नेम इज अमर, अमर कुमार शर्मा, सिविल इंजीनियर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कितना अच्छा सांप है। सांप जी, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे मैं आपकी पूजा करने के लायक ना रहूं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगली नागपंचमी में आपको 10 किलो दूध पिलाऊंगा। सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी पूरी बिरादरी को पिलाऊंगा। फ्रेंडली दोस्त। सांप जी, मैं जानता हूं आपके पांव नहीं है, फिर भी आपके पांव पड़ता हूं। चले जाइए प्लीज। हे भोलेनाथ, हे कहा है साहब, कहा है? सांप चला गया। थैंक गॉड, चला गया सांप। राम राम राम, हे राम। सांप चला गया? अरे सांप तो चला गया, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। राम राम राम। अरे क्या हुआ? अरे क्या होगा, तुम्हारी सहेली नहा रही थी, मैंने उसको गोपाल दास। अरे गोपाल दास? अरे कौन गोपाल दास यार, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अमर है। अमर, तू राम नाम करते रोता हो क्यों? तू मर गया है क्या? नहीं यार, मुझसे बहुत बड़ा सांप हो गया। जी जी जी, सांप? अरे सांप नहीं, पाप हो गया। क्या पाप हो गया? वो क्या है कि वो आशा नहीं है अपनी पड़ोस की लड़की, वो उसको ना आज मैंने नहाते हुए पूरा देख लिया यार। नहाते हुए पूरा देख लिया? हाँ। अरे बहुत खुशकिस्मत हो यार, मैंने आज तक अपने आप को नहाते हुए पूरा नहीं देखा है। कसम से बस, ये तो क्या मेरे घर में पानी नहीं आता है,
कभी पानी आता तो नल खोलना भूल जाता हूँ, नल खोलता तो कपड़े उतारना भूल जाता हूँ, जैसे आज। तुम्हें नया नहीं? अरे कमल तू ये कलर, मैं ना कहता फिर तेरी कहानी सुनूंगा, मैं ना कहता तू जाना नहीं है। कैसा आदमी है यार। अरे लाटा साहब। ए मिस्टर, तुमने मुझे देखा? इसके बारे में सारे शहर में ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? अरे अपनी गलती का प्रायश्चित मैं कैसे करूं? Shut up. जानते हो जिस हालत में तुमने मुझे देखा है उस हालत में लड़की को कौन देख सकता है? मुझे नहीं मालूम कौन देख सकता है, लेकिन मुझे तुम्हें उस हालत में देखना नहीं चाहिए था। चुप भी रहो। एक पति ही अपनी पत्नी को उस हालत में देख सकता है। राम 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 राम। अरे और तुमने मुझे देखा है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब तुम ही मेरे पति बनोगे। क्या? हाँ।
गई, बात बढ़ते बढ़ते बड़ी तो कहानी हो गई। अमर, अरे अमर क्या बात है, इस तरह अचानक खिड़की से इशारा करके मुझे क्यों बुलाया? अच्छा, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। हाँ तो मांगो ना। पता नहीं मैं तुमसे कैसे मांगूं। क्यों, ऐसी क्या चीज है जो मांगना चाहते हो? है एक ऐसी चीज, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तो मांगो तो सही। मांगू? अब मांगो भी। अच्छा वो लेकिन मैं कैसे मांगू? तुम मत मांगो, मैं। अरे सुनो तो सुनो, बैठो ना। क्या आशा, आज तक मैंने ये चीज किसी लड़की से नहीं मांगी है ना, इसलिए झिझक महसूस हो रही है, शर्म भी आ रही है। अच्छा समझ गई, मैं समझ गई कि तुम क्या मांगना चाहते हो। लेकिन ए मिस्टर, ये सब चीजें शादी के बाद। अरे शादी के बाद तो हर चीज मेरी हो जाएगी, लेकिन मुझे अभी चाहिए, अर्जेंट प्लीज। सच तो ठीक है, एक शर्त पर। तुम पहली बार मांग रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, दोबारा मत मांगना। ये क्या कर रही हो? मैं ये थोड़ी ना मांग रहा हूँ। तो फिर? वो क्या है कि आज काम से लौटने में देर हो गई, बैंक बंद हो चुका था, पैसे नहीं निकाले और जरूरत है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे 1000 रुपए उधार मांग लूं। पहाड़ खोदा और निकले चूहे की धूप। अरे बुद्धू, सीधे सीधे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैं अभी। अरे नहीं नहीं नहीं, अब रहने दो। अब जब तुमने प्यार का मूड बना ही दिया तो रुपया रहने दो, वही दे दो जो तुम दे रही थी। वैसे मैं रुपया मांगने का नाटक कर रहा था, चलो दे दो। चल हट बदमाश। अरे दो ना प्लीज। अरे दो ना, अरे दो बस, मुझे पप्पी लेने दो। तुम कब आया? मैं तो आधा घंटा पहले आया था। अरे यार तुमको शर्म नहीं आती? तुम सब देख रहा था? नहीं मैं कान बंद करके देख रहा था, मैं आंख बंद करके। अरे तुम आया क्यों इधर? मैं भूल गया मैं काहे के लिए आया था। हाँ? अरे मैं इमरजेंसी केस छोड़ के आया, बहुत बड़ा केस है सर, मेरा वो नहीं मिल रहा है, वो होता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते उसको यार, स्टेथोस्कोप। तो इतना भी याद नहीं रहता, तुम क्या आदमी है? तो मेरा स्टेटोस्कोप ढूंढ रहा हूँ, मेरे घर में नहीं है, दुकान पे नहीं है, पहचान वाले की तरह नहीं है, बहुत परेशान हूँ मैं यार। तो कहाँ रखा तुम बताओ? मुझे ऐसा लगता है हॉस्पिटल में छोड़ा था मैंने। तुमको ये हॉस्पिटल लगता है? हाँ चलो उठो, चलो घूम जाओ। ए मूड ही खराब कर दिया। क्या तुम क्या कर रहा है इधर, क्या कर रहा है? मैं कह रहा था कि तुम दोबारा इसे कभी पैसे लेने के लिए आना ना, तो मुझे बुला लेना। अरे यार चलो घूम जाओ। अरे इसके लिए तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी यार। इसका मतलब है वो लोग मोहब्बत में इतनी दूर जा चुके हैं? दूर? सर दूर तो बहुत नजदीक है, ये लोग दूर से भी बहुत दूर जा चुके हैं। आहा, जब दोनों सामने बैठे थे तो ऐसा लग रहा था मोहब्बत के दो कबूतर सामने बैठे हूँ। वाह। जब बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सलीमन और कली को मोहब्बत की गीत सुना रहा हूँ। अरे वाह। कि तुम नहीं हो तो खुमो सागर और मीना क्या है, रस्म में खाना निभा लेते हैं पीना क्या है, हम बरसती हुई बूंदों में जले हैं बरसों, हमसे पूछे कोई सावन का महीना क्या है। नालायक, इतने लंबे लंबे शेर याद कर लेता है, काम की बात याद नहीं रहती है? हाँ तो जो मेरे मतलब की बात होती है मैं याद रख लेता हूँ, मैं को फुल टाइम भुलक्कड़ थोड़ी हूँ, मैं तो पार्ट टाइम भुलक्कड़ हूँ। ठीक है जाओ अब यहाँ से। जाओ कहाँ, मेरे को पूरी कहानी सुनानी है। अरे भाई पूरी कहानी मैं उसी से सुन लूंगा जिसने मोहब्बत की दुनिया आबाद की है, चलो। अगर वो आपको मिलेगा कहाँ? अरे मिल जाएगा यार, तुम बैठो ना यार। क्यों रे छुपे हुए बदमाश? अरे
तुम यहाँ कब आए? आधा घंटा पहले। यहाँ बैठकर हमारी बातें सुन तो तुमको शर्म नहीं आती है? चलो घूम जाओ। अरे ऐसे कैसे चलो घूम जाओ, तुम हमारे घर में आकर हमारी बातें छुपकर नहीं सुन रहे थे? मैं कब सुन रहा? अरे भाई झगड़ा बंद, बैठ जाओ। चलो पहले ये बताओ, तुमने ये सब बातें मुझसे क्यों छुपाई? हाँ अरे तुमसे कहाँ छुपी हुई है भाई, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। मुझे 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 पहले से मालूम? लो लो लो, उस दिन मेरे हाथ की रेखाएं देखकर नहीं बताया था कि मुझे इस शहर में एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जो मेरी जीवन साथी बन जाएगी? बड़ा स्मार्ट है यार तू भी। खैर तूने अपनी नई जिंदगी बसा ली, मेरे लिए यही खुशी की बात है यार। मेरा हाथ देखो ना सर। एक मिनट ज्ञानेश्वर, एक मिनट। लड़की के माँ बाप से मिले? खैर लड़की के माँ बाप से कब मिला रहा यार? बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। हाँ माँ जी, आप फौरन अपने फर्ज का कर्ज उतार दीजिए, मैं अपने दोस्त अमर का रिश्ता आपकी बेटी के लिए मांगने आया हूँ। अमर? वो आपके घर में सांप पकड़ने नहीं आया? धीरे धीरे। ऐसा बोलूं, आपके घर में सांप पकड़ने नहीं आया? बोलो बराबर। अच्छा वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों की जोड़ी इस शहर में एक मिसाल बनकर रहेगी। अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं? एतराज? मुझ गरीब विधवा की झोली में दुनिया की दौलत डालकर आप पूछते मुझे एतराज तो नहीं? मेरी बेटी को अमर जैसा जीवन साथी मिल जाए तो समझिए मैंने जीते जी स्वर्ग पा लिया, और मुझे क्या चाहिए? मिठाई करा, मिठाई ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चलो घूम जाओ। ये सब लेगी? अरे अमर, 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 अमर। Thank you.
मुझे बोल तेरे ऐसे जैसे घर के घुंघरू देखो अपनी माशोका के गले में हाथ डाल के चला जा रहा है। चार दिन में उस उम्र को आए हुए उसने प्यार भी कर लिया, गाना भी गा लिया, शादी का इजहार भी कर लिया। एक मैं हूं, मुद्दसों से सुनने तक मर रहा हूं। शादी तो एक तरफ, प्यार का एक शब्द नहीं बोला, गाना नहीं गाया। लगता है मैं सड़ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं सड़ गया बिल्कुल। ये क्या चीज है, ये सिगरेट है? तू मेरी तरह मुरझाई क्यों है ऐसे? सिगरेट है क्या सांप है? तेरे को सीधा करने के लिए क्या बीन बजाऊं? माचिस, माचिस कभी? ओ भाई साहब माचिस देना। ओ ज्ञानेश्वर साहब, ना तो मैं भाई साहब हूँ और ना मेरे पास माचिस है। ये आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। अरे तुम, तुम्हारा नाम क्या? सुनीता। हाँ, सुनीता। और ये क्या चक्कर है, ये सिगरेट क्यों पी जा रही है? क्या करूं, तने तन्हा जिंदगी से बेजार, एक लड़की से किया प्यार, उससे मिला ना इकरार, ना बनी वो दिलदार, बस सिगरेट है वफादार, वो भी है बलदार। ओ कवि महाराज साहब, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर लोगों की सेहत बनाता है, और आप है कि अपनी सेहत बिगाड़ने पर तुले हैं। मत पियो, बुरी बात है। सिगरेट नहीं पीऊंगा तो क्या जहर पीऊंगा? मेरी जिंदगी में रखा क्या करने के लिए? एक शर्त में सिगरेट नहीं पीऊंगा। क्या तुम हो ना? हाँ, क्या फोन करना है? फांसी लगानी है? अरे यार, शादी करनी है। शादी? हाँ, तुम अगर मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं दिन में हजार सिगरेट पी पी के धुआं बन के उड़ जाऊंगा। तुम वहां मेरे खोपड़ी कितनी खराब है। नहीं नहीं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। एक बार फिर बोलो। सच सच हमने सोचा था कि स्टेडियम के प्रोजेक्ट में कम से कम हमें 10 करोड़ रुपए से ऊपर की आमदनी होगी, लेकिन इस इंजीनियर के बच्चे ने हमारे सारे अरमानों को मट्टी में मिला दिया। ये सब क्या है? ये तुम्हारे पाप की मिट्टी है।
जिसके कारण आज कुछ गरीब मजदूरों की जिंदगी में दुख गम और मौत भर गए। क्या बक रहे हो? उठो और चलकर देखो, प्रोजेक्ट के एक हिस्से की छत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और बहुत से आदमी जख्मी हो गए, और इसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार हो। इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इस बार आसमान सर पर उठाने की क्या जरूरत है? हाँ, इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो ठाकुर, मैं तुम दोनों के हर अकाउंट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सरकार की सीमेंट चुराकर ब्लैक में बेचते हो, और उसके बाद खटिया मिलावट वाली सीमेंट इस्तेमाल करके भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हो और लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आज कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? कल ही ये सीमेंट लेबोरेटरी में भेज कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। अरे अमर बाबू, अरे इन लफड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है? 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख ले लो। शट अप! मैं एक मजदूर माँ का बेटा हूँ, और उस माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इन मजदूरों के खून का बदला लेकर ही रहूंगा। बहुत मजा आया ना मम्मी? हाँ, पिक्चर अच्छी थी। वाह रे बढ़िया, वाह क्या बेटी पैदा की है, बिल्कुल चुलबुली और चिकनी 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 रे। जरा भेज देना अपने साथ। ये देखा, जाने दे बेटी, ऐसे कमीनों के मुंह नहीं लगते। अरे बिल्कुल सही कहा बुढ़िया, मैं मुंह मत लगना, गले तो लग जाओ। चल। अरे गुरु, एक तो साली ने सैंडल दिखाया, ऊपर से थुक्के चले गई। हाँ गुरु। चशी जाएगी का ये। अरे फंस गई है। तो जाने मन रहने भी दो। जोगिंदर जिस लड़की के गले में हाथ पहना देता है, वो उसे तब तक नहीं उतार सकती जब तक वो जोगिंदर की बाहों में नहीं आ जाए। और अमर एक बार जिसकी गर्दन पकड़ लेता है, उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका भूत उतार नहीं देता। सफर रहा तो जल्द वाला मारो। कौन है? जोगिंदर? अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी हालत किसने बनाई? मैंने बनाई है राजेंद्र। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है। बाप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के भेष में सरकारी माल लूट रहा है, और बेटा जमाने के जोश में लड़कियों की इज्जत लूट रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा धंधा खोला है बाप बेटे ने मिलकर। हाँ तुम सिर्फ सरकारी नौकर हो, सरकार नहीं हो। हर एक मामले में मुंह मरेगा तो तेरा मुंह छील कर तेरे चेहरे से अलग कर दूंगा। और तू भी अपनी शैतान की कोख से जन्मी अपनी सौलाद को समझा दे। अगर इसने मेरी मंगेतर आशा पर बुरी नजर डाली तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। आशा? ये आशा कौन है? अरे पार्टनर, आशा उसी मास्टर ने उषा की बेटी है जिसे जवानी में तुमने उठाया था और उसने कसकर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। तो उस वेश्या की बेटी के लिए इसने हमारे बेटे पर हाथ उठाया है? ए ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दे। एक माँ समान देवी का अपमान करोगे तो हलक की जमीन से जबान उखाड़ लूंगा। अच्छा, उस वेश्या को माँ समान समझने लगे हो? लगता है इंजीनियरिंग करते करते वेश्याओं की भड़वागिरी भी करने लगे हो। क्या बोला तू? गजेंद्र सिंह,
एक बात अच्छी तरह से समझ ले, तेरे पाप का पिटारा भर चुका है, बहुत जल्द तू फांसी पर चढ़ने वाला है, और तेरे साथ तेरा ये पार्टनर मदन लाल भी, क्योंकि तुम लोग खूनी हो, कातिल हो। तुमने इंजीनियर मोहन और सुपरवाइजर सुंदर लाल का खून किया है, और उसका सबूत और चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है, याद रखना। शेर के बच्चे को कैसे पता चला होगा कि मोहन और सुंदर का कत्ल हम लोगों ने किया है? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। ना ही तो हमने कोई सबूत छोड़ा है और ना ही मौके वारदात पर हमारे अलावा कोई और था। तो फिर वो इंजीनियर किस बलबूते पर हमें धमकी दे गया? साहब, सब लोग अंदर आ गए। चलो। किसने हमसे गद्दारी की है? कौन है वो नमक हराम? Who is that black sheep? बोलो, किसने हमारे खिलाफ इंजीनियर को क्या जानकारी दी है? बोलो वरना एक एक को कुत्ते की बात मार दूंगा। साहब, आपके खिलाफ हिम्मत करने वाला कौन हो सकता है साहब? तो फिर वो इंजीनियर कैसे कह गया कि उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है? राकेश कहाँ है? पार्टनर, उस दिन राकेश हमारे साथ था, कहीं उसने तो नहीं? है? राकेश, ये राकेश कहाँ है? साहब, हमने तो उसको पिछले दो महीने से नहीं देखा है साहब। स्टूपिड इडियट, तुम सब के सब निकम्मे और बेकार हो। दो महीने से हमारा वो आदमी गायब है और तुमने हमें कुछ बताया तक नहीं। जाओ और तलाश करो और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे हमारे सामने पेश करो, जिंदा या मुर्दा, वरना एक एक को मैं तोप से उड़ा दूंगा हरामजादो। चलो जाओ, दबा हो जाओ यहाँ से। बस दो मिनट बाकी, पंडित जी ने कहा था कि ठीक 12 बजे शुभ घड़ी होगी, तब अपनी बीवी को हाथ लगाना, सुहागरात मनाना, उससे जो औलाद होगी बहुत शानदार होगी, मेरी तरह। भुलक्कड़। मैं क्या भुलक्कड़ हूँ? क्या थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है, कभी बाकी सब याद रहता है। अभी जैसे मेरी घड़ी, मेरी घड़ी कहाँ? ओफो, ये रे। टाइम हो गया, शुभ घड़ी आ गई। चलो घूम जाओ। अब ये आवाज किधर से आ रही? अरे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अबे ठहर जा उल्लू के पटे, दरवाजा तोड़ेगा क्या? मैं इस सुहागरात बर्बाद कर दी, भगवान करे तू सुहागरात मनाने के लायक ही नहीं रहे। तू बढ़िया यहाँ, मैं भटकता था वहाँ। कौन है तू? कौन है तू मतलब? अरे मेरा घर, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? ये तुम्हारा घर है? हाँ, नहीं तो क्या तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है, वो सामने बैठी है ना, वो मेरी पत्नी है। अरे कोई शर्म वरम है कि नहीं? मैंने भगवान को साक्षी मानकर अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर उसको अपनी पत्नी बनाया, और तू कहता है तेरी पत्नी है? ए, ये आदमी क्या कह रहा है? मेरे सामने तुम्हें अपनी पत्नी बता रहा है? बता इसके साथ तेरा चक्कर। अरे देखो, चप्पल लात अच्छा नहीं होगा मदन लाल, कोई होगा। अरे वाह, एक तो मेरे घर में घुस के मेरी सुहागरात बर्बाद कर दिया, ऊपर से मेरी पत्नी को गाली देता है, मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी पत्नी? हां, फिर डैन मक्कार, धोखेबाज, फरेब, तू मेरे जज्बात के पास खेल। नीचे कर, मालूम नहीं किसके जूते पहन के चला है, इस पैर का जूता उसमें और उसका इसमें, सड़ा हुआ छिलका, झाड़ू का तिनका, ताला मेरे घर में घुस के मेरी सुहागरात बर्बाद कर दिया, ऊपर से मेरी पत्नी को गाली देता है। एक बात बताऊं? क्या? तुम थोड़े से बेवकूफ। तो क्या हुआ? ये लड़की सबसे पहले मुझको लोनावला में मिली, वहां से मैंने उसको उठा लिया, बोरी बिली पहुँच कर हम दोनों ने शादी कर ली, कांदी बिली पहुँच कर जब हम दोनों सुहागरात बनाने वाले थे ना, फुर्र से वहां से उठकर चली गई। उस दिन सुहागरात की भागी हुई आज मेरे सामने फिर से आए। मैं जो नहीं, नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। देखो, तुम हर रोज एक रेशमी साड़ी बदलो, तुम हर रोज अपना जूता चप्पल बदलो, तुम हर रोज अपने जेवर बदलो, लेकिन पति कभी मत बदलना सावित्री, कभी नहीं। सावित्री? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, इसका नाम सावित्री थोड़ी है। तो क्या है इसका नाम? इसका नाम क्या नाम है तुम्हारा? ओफो, सुनीता। सुनीता, जरा अपनी पीठ दिखाओ। अब एक मिनट, इसकी पीठ देखकर बताऊंगा, मेरी वाइफ है तुम्हारी। चलो ठीक है, देखते क्या करता। चलो घूम जा। अभी बोलो क्या है? नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तो हमेशा दो चुट्टियां बांधती थी। बताओ साला, उल्लू का बट्टा बीवी की शक्ल याद है, उसकी चोटियां याद है? चलो पानी लो। भाभी माफ कर दो, बाहर निकलो। भाई साहब माफ कर दो, बाहर निकलो। भाई साहब माफ कर दो, तुम बाहर जाओ। भाभी माफ कर दो। अरे मेरे बाप, तुम बाहर जाओ। भाई साहब माफ। किधर गए?
यहाँ है। अरे ए, 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 अरे उठना है। क्या मुसीबत है यार, इतनी मुश्किल से तो सुहागरात की शुभ घड़ी निकाली, ये सुहाग की सेज सजाई, उसमें साला भैंसे की तरह सो गया इधर। सत्यानाश इसका, लो शुभ घड़ी बीत गई, अब क्या खाक सुहागरात मनाएंगे। नहीं, तुम दिल छोटा मत करो, मैं सुबह पंडित जी को फिर मिलूंगा, फिर शुभ घड़ी निकालूंगा, फिर सुहागरात मनाएंगे। छोटा मत करो, उस कमीने ने मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे मार डाला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, पूरे खानदान को मिटा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन है मैं? चला शाबाश। बोल, तूने उस इंजीनियर को क्या क्या बताया है? नहीं साहब, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया साहब। हरामी, झूठ मत बोल, झूठ हमसे छुप नहीं सकता और सच का चेहरा हमसे बच नहीं सकता। सच सच बता कुत्ते, सब कुछ बता, बता हरामी, बता, बताएगा तू, तेरा तो बाप भी बताएगा। बताता हूँ, बताता हूँ, मैंने पूरी बात अमर बाबू को बोल दी। वो सुपरवाइजर और इंजीनियर की मौत कैसे हुई थी और वो फाइल मैंने उड़ाकर अमर बाबू को दे दी, जो आप लोगों ने सुंदर की लाश से ले ली। मार दो साले को गोली से, नमक हराम है, मार दो साले को। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी। उठाओ इसकी लाश को, दीवार में चुनवा दो। आशा, खामोश क्यों हो गई, कुछ तो बोलो। जब दिल से दिल का मिलन होता है तो जुबान नहीं दिल बोलते हैं, धड़कने बोलती हैं, एहसास बोलते हैं। अच्छा, अगर तुम दिल की जबान समझ रही हो तो बताओ मेरे दिल की धड़कन क्या कह रही है। वही जो मेरे दिल की धड़कन कह रही है। और तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कह रही है? यही कि तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवा मेरे अमर के। सचमुच आशा, मैंने भी तुम्हें पाकर दुनिया की सारी नियामतें पा ली हैं। हैरान हूं कि अब तक मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रह सका। ये बेचारा तो मर गया, इस जालिम ने इस मासूम को इतनी बेदर्दी से मार डाला। देखो साथी को खोकर वो बेचारा कैसे तड़प रहा है। हाँ, साथी की जुदाई से बड़ा दुख शायद दुनिया में कोई भी नहीं होगा, चाहे पंछी हो चाहे इंसान। अमर, पता नहीं क्यों अचानक मुझे डर सा लग रहा है। डर? किस बात का डर? कहीं किस्मत ने हमें जुदा कर दिया तो? अरे पगड़ी, दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। और फिर दो दिन के बाद तो हमारी शादी है, फिर हनीमून, हनीमून, कभी ना खत्म होने वाला हनीमून।
बेवकूफ, शादी के दिन भी घर गंदा रखता है। और मेरे दिलदार की शादी है, अरे आज मेरे यार की शादी है। ओए अमर, ओए ओ अमर, अमर नहीं हो सकता।
कैसे भी इतना जालिम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सुना सुना, नहीं हो सकता। मेरे अमर को कुछ नहीं हुआ, मेरे अमर को कुछ नहीं हुआ। आशा, कुछ नहीं हुआ मेरे अमर को। क्या हो गया आशा? क्या हुआ डॉक्टर विजय, कहाँ है लाश? सर, अमर की लाश इसी जगह पड़ी थी। देखिए खून के निशान अभी भी हैं। इंस्पेक्टर, पूरे मकान की तलाशी लो। यस सर। जब आपने पुलिस में रिपोर्ट की तो अमर की हालत क्या थी? जान बाकी थी या पूरी तरह मर चुका था? इंस्पेक्टर साहब, अगर जान बाकी होती तो मैं सबसे पहले अस्पताल ले जाता, रिपोर्ट बाद में लिखवाता। आप अमर को कब से जानते हैं? अमर मेरे बचपन का दोस्त था। उसके माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं थे। उसके लिए मैं और मेरे लिए वो सब कुछ था। आज उसकी शादी होने वाली थी। उसे दूल्हे के रूप में देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। लेकिन सर, लाश नहीं मिली सर। ठीक है मिस्टर विजय, मकान को पूरी तरह से सील रखेंगे। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें फौरन कांटेक्ट करें। चलो। नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, मैं नहीं निकालूंगी ये शादी का जोड़ा, ये जेवर, ये श्रृंगार, मैं नहीं उतारूंगी। मेरा अमर आएगा और मुझे से शादी होगी। मेरा अमर जरूर आएगा, मेरा अमर आएगा। आशा, तुम्हारा अमर नहीं आएगा, वो तो मर चुका है। नहीं, नहीं, झूठी, तुम झूठ बोल रही है, तुम सब झूठ बोलते हो। मेरा अमर आएगा, वो क्यों नहीं आएगा? वो जरूर आएगा। मुझे ऐसे कौन से भूल हो गई? वो क्यों नहीं आएगा? वो आएगा, वो आएगा, समझे? वो आएगा, वो जरूर आएगा। और मेरी शादी उसी से होगी। मेरा अमर आएगा। दीदी, 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 आशा, आशा, मालकिन हमें छोड़कर चली गई। माँ, माँ, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हमारा सब कुछ लूट गया ज्ञानेश्वर। उन जालिमों ने मेरी दोस्ती की दुनिया उजाड़ दी ज्ञानेश्वर। मेरे भाई को मार दिया, मेरे दोस्त को मार दिया, मेरे अमर को मार दिया उन लोगों ने। भगवान के लिए मत रोइए, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगी तो। अरे अभी तो पहाड़ जैसी जिंदगी आगे पड़ी है। असली फर्ज तो अभी निभाना है, अभी तो असली काम करना है। मतलब नहीं समझा? मैं बताता हूँ। आई आई अमर मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं ऐसा यार कहाँ से लाऊं? ऐसा दोस्त कहाँ से लाऊंगा? अमर
मेरा प्यारा दोस्त मैं कहाँ से वापस लाऊं? ज्ञानेश्वर मेरा दोस्त मुझे वापस ला दे, मेरा दोस्त मुझे वापस ला दे, ज्ञानेश्वर मुझे वापस ला दो, मैं कहाँ से सर अमर वापस आ सकता है, ये फिर आपको विजय कह के पुकार सकता है सर, मगर उसके लिए अपना दिल मजबूत करके आपको एक काम करना होगा सर। सर अमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डीप फ्रीज में रख दीजिए सर, और फिर किसी ऐसे मरीज को लगा दीजिए जिसको दिमाग की जरूरत हो सर, जब वो मरीज तंदुरुस्त होगा तब उसकी जबान वही कहानी बोलेगी जो अमर के जहन में छपी हुई है सर, तो मैं इसीलिए अमर की इस लाश को यहाँ छुपा कर लिया है सर, ये गैर कानूनी काम है मगर इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी सर, आप 10 साल से जो तजुर्बा कर रहे हैं वो तजुर्बा कामयाब होने के करीब पहुंच चुका, कीजिए सर तजुर्बा कीजिए सर, मेरा दिमाग निकल ले और तजुर्बा कर ले, मेरा दिमाग कोई फालतू है, वन पीस है, अरे वाह, दूसरों को काटेगा तो कुछ नहीं, दोस्त को काटेगा तो रोना आ जाए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अपने जान से भी प्यारे दोस्त के शरीर के साथ मैं ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता, मैं ये छेड़फाड़ नहीं कर सकता, मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं आप ये क्यों भूल जाते कि आप एक डॉक्टर हैं, जैसे एक जज इंसाफ की कुर्सी में जब बैठता है तो वो तमाम रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सब भुलाकर सिर्फ इंसाफ करता है, उसी तरह एक डॉक्टर को भी अपनी दोस्ती प्यार मोहब्बत जज्बात इंसानियत के नाम पे कुर्बान कर देने पड़ते हैं सर, ये इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा पुण्य होगा, हमें अमर के कातिल का पता लगाना है सर, उस कातिल का नाम उसकी शक्ल अमर के जहन में रिकॉर्ड है, और जब ये जहन किसी और के शरीर में लगेगा तब शरीर की जबान उस कातिल का नाम खुद बखुद उगल देगी, और इस तरह वो कातिल जल्द फांसी के तख्ते पर पहुंच जाएगा सर, फांसी के तख्ते पर पहुंच जाएगा सर। करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट। ये तुम्हारी डोली नहीं है आशा, उतरो नीचे। नगा, मैं नहीं उतरूंगी। अरे चल हट, उतर, क्यों मेरी बेटी का शगुन खराब करी है, चल पागल कहीं की। पागल? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बस उतारो, मैं तो दुल्हन हूँ। चल चल निकल बाहर। नहीं, मैं नहीं, निकल बाहर, मेरे अम्मा के पास ले चलो। निकल। अरे मैं पागल नहीं हूँ, पागल तुम। फिर जी कर दे
आशा का ब्रेन डैमेज हो गया है, सर में बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है, उसका उसका बचना नामुमकिन है। सर ये तो ऊपर वाले की सरासर नाइंसाफी है सर, क्या दुनिया में सच बोलने वालों का, प्यार करने वालों को ये अंजाम होता है? ऐसे तो लोगों का भगवान में से विश्वास उठ जाएगा। सर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप इसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते सर? ज्ञानेश्वर अगर बच भी गई तो बरसों कोमा में रहेगी, जिंदगी भर मुर्दे से बदतर हालत में रहेगी, ना देख सकेगी, ना बोल सकेगी, ना उठ सकेगी, ना बैठ सकेगी। बस क्या फायदा इसी जिंदगी का, इससे तो बेहतर है कि सर
और कोई तरीका नहीं है? एक रास्ता। कौन सा रास्ता? आशा का डैमेज ब्रेन निकालकर उसकी जगह अमर का ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ब्रिलियंट आइडिया सर, ब्रिलियंट। हो सकता है सर, उन दोनों के दिल मिलते थे, ख्यालात मिलते थे, जज्बात मिलते थे, एहसासात मिलते थे, तो उनके दिमाग जरूर मिलेंगे सर, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर दुआ करो कि मेरे हाथों से ये ऑपरेशन कामयाब हो जाए। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो अमर की आत्मा आशा में आ जाएगी और आशा आशा अमर के ख्यालात अपने दिमाग से सोच सकेगी और जो जो हमारा दोस्त चाहता था वही होगा, वही होगा जो हमारा दोस्त चाहता था। ऑपरेशन की तैयारी करो। अभी कर दो, अभी कर दो सर। मिली कि नहीं मिली? कौन मिली? तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है। हमारे अमर बाबू की लाश मिली कि नहीं मिली? नहीं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब कि अमर का कोई दुश्मन नहीं था। हर एक के गम को अपना गम समझता था वो, हर एक के दर्द को अपना दर्द समझता था वो। हर एक इंसान, छोटे बड़े, सभी प्यार करते थे उससे। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर गजेंद्र सिंह से उसको कुछ गलतफहमी थी। अमर ने गजेंद्र सिंह के बारे में आपसे कुछ कहा? नहीं। ओके, थैंक्स। थैंक यू। डैड, ये इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आ रहा है? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, नसीबे दुश्मना तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहिए क्या पेश करूं? ठाकुर साहब, इंजीनियर अमर आपके साथ काम करता था? या? उसका कातिल कौन हो सकता है? उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं आप? जी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसके बारे में मैं खुद अंधेरे में हूं तो रोशनी कहां से डालूंगा। किसी पर शक है? किसी पर भी नहीं। सरप्राइजिंग, ना कातिल का पता चल रहा है ना लाश का। जब तक लाश नहीं मिलती, वी कैन नॉट ऑफिशियली कंफर्म द डेथ। इंस्पेक्टर साहब, अगर अमर जिंदा होता तो क्या वो अपनी महबूबा को शादी के मंडप में रोते बिलखते हुए छोड़कर अभी तक छुपा रहता? अगर अमर सचमुच मर चुका है तो उसको मारने वाला पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। सर, सर, आशा को होश आ गया। अच्छा, थैंक गॉड। मैं क्या बुढ़ी लगती हूँ? तेरी तो नहीं, नहीं। मैं तुम दोनों के हर अकाउंट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ए विजय, क्या हुआ यार? ऐसे क्या देख रहे? ए, मैं
मेरा दिमाग कोई फालतू है? वन पीस है। मेरी आशा कहाँ है? विजय, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये कपड़े, ये मेरा हुलिया जनाना कैसे बन गया? अरे तू बोलता क्यों नहीं? अमर मेरे दोस्त, तू नहीं है, तू मर चुका है मेरे दोस्त, तू मर चुका है। मैं मर चुका? हाँ। What nonsense are you talking? अपने दोस्त के बारे में ऐसी मनुष्य बातें करते हो तो शर्म नहीं आती? मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो चल दे, उठ। आशा? हाँ, तुम आशा हो, अमर की मंगेतर आशा। तुम मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हारे सर पर जबरदस्त चोट आई थी। तुम मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने तुम्हारा डैमेज ब्रेन निकालकर अमर का ब्रेन लगा दिया। भगवान की दया से मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया और तुम्हें एक नई जिंदगी मिल गई। तुम आशा हो, आशा। अमर, चलो मेरे साथ आओ, आओ मैं बताता हूं। आओ देखो, ये अमर की समाधि है, यही उसके शरीर को दफनाया था। आशा, अमर का कत्ल कौन है? उसका कत्ल किसने किया? ये सिर्फ तुम बता सकती हो। सोचो आशा, सोचो। अमर के दिमाग से सोचकर बताओ आशा, प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखो, मैं जब तुम्हारे कपड़े लेने के लिए टेलर के पास, मेरा मतलब है मैं जब अमर के कपड़े लेने के लिए टेलर के पास गया, उसके बाद क्या हुआ? सोचो, याद करो आशा, सोचो प्लीज, बताओ आशा, सोचो, सोचकर बताओ। हाँ, मुझे याद आया। विजय, तेरे जाने के बाद घर के पीछे के दरवाजे से वो तीनों आए थे। इडियट है तू, इडियट, उल्लू का पट्टा, गधा। यहाँ मेरी शादी हो रही है और तू गांव में जाकर बैठा है, खोचू कहीं का? अरे बाबा, तू गाली मुझे बाद में देना, पहले मेरी बात तो सुन यार। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझसे बात भी नहीं करनी है। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है यार, कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। वो मुझे टेलीग्राम मिला कि माँ अचानक बीमार हो गई है, इसलिए मैं भागा भागा गांव चला आया और अभी मुझे टाइम मिला तुझे फोन करने का। I'm sorry यार, मुझे माफ कर दे। अभी माँ की तबीयत कैसी है? अभी भी वैसी है यार, मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, मगर जैसे ही माँ की तबीयत ठीक होती है ना, मैं सीधा तेरे पास चलाऊंगा। और सुन, शादी मुबारक हो, और भाभी को मुबारकबाद। अच्छा भाई, शादी मुबारक हो अजय साहब। ये चोरों की तरह पीछे के दरवाजे से आने का मतलब, शादी की दावत देते तो अगले दरवाजे से आते, फूलों का हार लेकर, भेंट और सौगात लेकर। शरीफों की शादी में सिर्फ शरीफों को दावत दी जाती है, तुम जैसे मक्कारों और खूनियों को नहीं। जाओ यहाँ से। चले जाते हैं बाबा, चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए थोड़े यहाँ आए हैं। जैसे ही हमारी जरूरत की चीज मिल जाएगी, हम ताबेदार की तरह यहाँ से चले जाएंगे। कौन सी चीज? वो सबूत जिसके बल पर तुम हमें फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का चैलेंज देकर आए थे। अगर वो सबूत मैं तुम्हें ना दूं तो तुमने वो पुरानी बांसुरी की कहावत तो सुनी होगी ना, वो क्या है पार्टनर? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हम तुम्हें बांसुरी बजाने नहीं देंगे। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। गेट आउट। ओ इंजीनियर, अगर तुम इस बात पर इतरा रहे हो कि तुम्हारे पास सुंदर और मोहन के खून का चश्मदीद गवाह है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि हमने राकेश को ऑलरेडी भगवान का ताबेदार बनाकर ऊपर भेज दिया है। कुत्ते! शांति शांति शांति। इंजीनियर साहब, हमें वो फाइल और कागजात दे दीजिए जो राकेश ने आपको दिए थे, हम चुपचाप चले जाएंगे। वरना हम क्या कर लेंगे, तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देते हैं। वरना ये सुहाग की सेज पर दुल्हन आशा ही होगी, लेकिन दूल्हा तुम नहीं, हम होंगे। Thank you.
चलो यहां से। चलो। ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था मेरे साथ, मुझे सब याद आ गया है। अब मैं उस गजेंद्र और उसके साथियों को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे ऐसा भयानक बदला लूंगा कि दूसरी बार जन्म लेते हुए उनकी माँ की खोक थर थरा जाएगी। उनकी जिंदगी का एक एक दिन बर्बादी का दिन बना दूंगा, बर्बादी का दिन बना दूंगा। नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं करोगी। मुझे छोड़ दे विजय। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा ऑपरेशन इसलिए नहीं किया था कि तुम जाकर उनसे बदला लो, उनका खून करो। बल्कि एक लड़की जो मेरे दोस्त के मंगेतर है, मेरी बहन समान है, उसकी जिंदगी बचाने के लिए क्या था। तुम एक नाजुक लड़की हो आशा, एक नाजुक लड़की, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम की जरूरत है आशा, आराम की जरूरत है। हे लक्ष्मी माता, मैं दुनिया के लिए फरेबी और मक्कार हूं, लेकिन तेरा ताबेदार हूं। तूने अपनी कृपा से मुझे माला माल तो कर दिया है, लेकिन डरता हूं मां, कहीं तुम मुझसे नाराज होकर रूठ कर खिसक न जाओ। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। यह दवा मैं इसलिए छिड़क रहा हूं ताकि तुम्हें दिमक ना लग जाए, और यह खुशबू इसलिए छिड़क रहा हूं ताकि दवा की बदबू दूर हो जाए और तू महक उठे और मेरा जीवन चहक उठे। आओ मां आओ, अपने इस भगत के जीवन को महकाने चहकाने चली आओ। आओ मां आओ, आओ मां आओ, आओ।
आओ माँ आओ, आओ माँ आओ, आओ लक्ष्मी माँ आओ। कौन? लालच के समंदर में डुबकी लगाकर बेईमानी के पानी से नहाने वाले कुत्ते। पहचान पहचान मैं कौन हूँ? आशा। हाँ आशा, वही आशा जिसके अमर को तुम दरिंदों ने शादी की रात को कत्ल किया था। मदनलाल पूजा कर ले, जिस देवी देवता की प्रार्थना करनी है कर ले, क्योंकि आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हेलो काला चौकी पुलिस स्टेशन, हवलदार गुलाटी स्पीकिंग। अरे खून खून, अरे खून खून, अरे खून चाहिए तो भाई अस्पताल में फोन करो या पुलिस स्टेशन है भाई। अरे घोचू, यहाँ पर किसी का खून हो गया है, मतलब मर्डर। मर्डर? अरे किसका मर्डर हुआ भाई? हेलो ठाकुर गजेंद्र सिंह, घोड़े बेचकर सो रहा है? उठ उठ और जाकर देख, तेरा साथी मदनलाल बीच सड़क पर जिंदगी बेचकर मौत की चादर ओढ़े सो रहा है। कौन हो तुम, कौन हो तुम? वही जो मरकर भी अमर है। किसकी लाश हो सकती है यार? लगता है कोई लावारिस है। कोई लावारिस है? लावारिस ही नहीं आ रहा। हटो 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 भाई, हटो। ठाकुर साहब। हाँ ये आपके पार्टनर मदनलाल है ना? हाँ हाँ। किसी से दुश्मनी थी उनकी?
नहीं तो हाँ लेकिन कहीं अमर ने तो नहीं 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 अमर का जिक्र भी मत करना, ये पुलिस वालों ने पूछना शुरू कर दिया तो अपने लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं ठाकुर साहब? कुछ कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मदनलाल का कोई दुश्मन था क्या? था कोई? टू माई बेस्ट नॉलेज नो, कोई नहीं था, कोई नहीं था। आपके ख्याल से इसका खून कौन कर सकता है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसे मालूम करना तो आपका फर्ज है ना। उस लड़की का हुलिया दरमियानी कर, ऑफकट स्टाइल के बाद जींस पैंट और जैकेट पहने हुए थी। उसका चेहरा तो मैं पूरी तरह देख नहीं सका लेकिन चाल ढाल से पहचान सकता। अच्छा फिर? वो लड़की मुझे देखते ही कार में बैठकर फरार हो गई। कार का नंबर? MMB6742। ये क्या हरकत है आशा, तुम बाज नहीं आई ना? जिससे मैं डर रहा था आखिर तुमने वो काम कर ही दिया। मैंने क्या किया? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, तुमने ये हरकत करके अपने लिए खतरा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या बात है इंस्पेक्टर, सब ठीक तो है? यस, MMB6742 गाड़ी आपकी है? जी हाँ। ये लड़की कौन है? ये आशा है, इसकी शादी इंजीनियर अमर से होने वाली थी। और कोई लड़की इस मकान में? जी नहीं। तो इस लड़की को हम अपनी हिरासत में ले रहे हैं। क्यों, क्या बात है इंस्पेक्टर? कल रात इस लड़की ने मदनलाल का खून कर दिया और आपकी गाड़ी यूज करके वहां से फरार हो गई। कैसी बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब, इस दुखियारी अभागन को देखिए, ये मंडप में बैठी दुल्हन बनकर और वहीं इसका सुहाग उजड़ गया। इसका दुख देकर इसकी माँ उसी दिन परलोक से धार गई। अरे जिसके खुद के अरमानों का खून हो गया हो वो किसी का खून क्या करेगी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस हादसे की वजह से ये लड़की दिमागी संतुलन खो बैठी है, इसका इलाज मैं कर रहा हूँ। ये लड़की किसी का खून कर ही नहीं सकती इंस्पेक्टर साहब, इट इज नॉट पॉसिबल। यस सर, और ये रात को बाहर गई नहीं, इसको रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने डबल डोज नींद का इंजेक्शन दिया इसको, ये जबकि सोई अभी उठी है 2 मिनट पहले, तो फिर ये किसी का खून कैसे कर सकती है? देखिए मिस्टर, हमारे पास आई विटनेस है जिसने इसे खून करते हुए देखा था। चलो मैडम। लेकिन अमन, लेकिन सर ये आपको जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन में आकर कहिए। कमान कमान जल्दी चलो चलो। डैमिट, ये आशा के सर में अमर का दिमाग लगा कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती की। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने सर। लेकिन लेकिन उसे बचाना भी तो है। बचाना तो पड़ेगा, दो भी रहना भी बाकी है। क्या? नहीं मेरा मतलब है हम लोग चल के उस चश्मदीद गवाह को तो देख ले, वो कौन है आशा के दुश्मनों का दोस्त। हाँ वो भी अच्छा। चल गुलाटी, सोलंकी को बुला। यस सर। अबे सोलंकी तू यार कैसा है यार, इडियट, नालायक, बेवकूफ गधे। मेरे शादी वाले दिन गांव से फोन करके बोला कि माँ के ठीक होते मुझसे आके मिलेगा और अब शक्ल दिखा रहा है और वो भी पुलिस स्टेशन में। यार तू तो बड़ा बेमुरव्वत दोस्त है, इतने दिन गायब रहा, ना खबर ली ना खैरियत पूछी, पता है इस बीच मुझ पे क्या क्या बीती। शट अप, ये क्या बकबक कर रही हो, तुम्हें क्या यहाँ बातें करने के लिए बुलाया? चुपचाप खड़ी रहो। मिस्टर सोलंकी, आप ये बताइए कि ये वही लड़की है ना जिसने कल रात लाल चौक टावर के पास खून किया था और कार में बैठकर फरार हो गई थी? बोलिए, यही है ना जिसने मदनलाल का मर्डर किया था? आप खामोश क्यों हैं? बताइए, जवाब दीजिए, बोलिए मिस्टर सोलंकी, यही है ना वो लड़की? नो सर। क्या सर? ये वो लड़की नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ सर, वाकई ये लड़की वो नहीं है। लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुमने इस लड़की को अपनी आंखों से देखा है। सर कभी कभी जो आंखों से देखा जाता है वो सच नहीं होता और जो कानों से सुना जाता है वो भी सच नहीं होता। सच वो होता है जो तहकीकात और जांच पड़ताल करके जाना जाता है। और वो कार नंबर MMB6742 नो 4267 सर, ये आदमी भी इस लड़की की तरह पागल लगता है। hey!
खबरदार जो मुझे पागल कहा बुड्ढे, अपने दिमाग का इलाज कराओ। जब एक अच्छे खासे इंसान को पुलिस वाला पागल कहे तो उस पागल पुलिस वाले को कौन से पागल खाने में भर्ती करना चाहिए? हाँ, पागलों के शहर में एक वकील मिला, वो भी पागल। आपको नहीं बोला उसको बोला कितना ज्ञान प्लीज सर, कितना पैसा मांग रहे हो? प्लीज जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है? सर हम इनकी जमानत के कागजात लेकर आए हैं। वकील साहब बताइए जरा। जमानत की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, आशा के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है क्योंकि गवाह ने आशा की शिनाख्त नहीं की है, इसलिए आप आशा को ले जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो भी इतना भेजा घुमाने क्या, तो चलो घूम जाओ। कम ऑन चलो। आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होता अमर, अगर आशा तुम्हारी स्टाइल में मुझसे पुलिस स्टेशन में बात नहीं करती तो आज वो कानून की गिरफ्त में होती और अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती, और ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो फांसी के फंदे से बच गई। थैंक यू सोलंकी। ये बच गई, इसके बचने से मेरी दूसरी सुहागरात बर्बाद होने से बच गई। यार जरा वक्त की नजाकत देखो, बहुत सीरियस मामला है, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। मैं भी सीरियस हूँ, तुम्हारे सर की कसम, मेरी दूसरी सुहागरात बर्बाद होने से बच गई। दूसरी सुहागरात? हाँ। मतलब दूसरी शादी कर ली क्या? नहीं यार, पहली शादी उसकी, दूसरी सुहागरात है। अच्छा अच्छा, मतलब दो दो लड़कियों के साथ एक साथ शादी कर ली। दो लड़कियां कहां से आके, एक ही लड़की है यार, उसके साथ दूसरी सुहागरात में आना हो? लड़की सेम है? हाँ सेम लड़की है। अच्छा तो चक्कर क्या है? अरे यार मैं तुम्हें एक लाइन में समझाता हूँ। एक लाइन में समझाना भैया, जाना नहीं। ज्यादा मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है, वो क्या है, मैंने पहले शादी की ना, तो उसके पहली सुहागरात मना रहा था, तो सुहागरात में गड़बड़ी तो वो कैंसिल हो गई। अच्छा। तो उसके बदले मैंने दूसरी सुहागरात रखी। दूसरी सुहागरात इसलिए कि पहली सुहागरात में जितना भी पुण्य है वो दूसरी सुहागरात में ट्रांसफर हो जाए, तो मैं दूसरी सुहागरात में, नहीं तो पहली बीवी को कौन रखेगा? तो मैं पहले जैसी सुहागरात कैंसिल हुई तो उसके बदले मैंने दूसरी सुहागरात मनाने जा रहा था, ये केस हो गया। अभी ये केस ना होता तो पहली सुहागरात की तरह ये सुहागरात भी कैंसिल हो जाती। अरे भाई कितनी लाइनें बोल रहे यार, मैंने कहा था कि कितना बोलता, तेरा सर दुखता नहीं है? मैं बोलता हूं। आप बोल। अच्छा चलो मुझे सुहागरात बना दो, चलो घूम जाओ। घूम गया। हे भगवान, एक बात बता, तूने मेरे खानदान के लोगों को किस मिट्टी से बनाया है? मेरे बाप की शादी उस वक्त ही जब उनके दोस्त के बच्चे बाप बन गए थे, और मेरा हाल देखो, मेरा ये घर पोल्ट्री फार्म की तरह बच्चों से भरा हुआ होना चाहिए था, और तू इस उम्र में शादी करवा रहा है। चलो शादी तो करा दी, सुहागरात क्यों नहीं हो रही है? हर वक्त कोई ना कोई टांगा लाने वाला आ जाता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। आज किसी को मत भेजना, थोड़ा ख्याल रखना। और कितनी देर लगेगी पूजा में? अरे भगवान को मस्का मार रहा हूँ, देखो कैसी मनुष्य दाढ़ी आई हुई है। हम लोग सुहागरात मनाना चाहते, कोई स्मगलिंग थोड़ी करना चाहते, जब देखो कोई ना कोई रेड मारने आ जाता है, मगर अब कोई नहीं आएगा, मैंने भगवान को पटा लिया। चलो घूम जाओ। और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, कितनी मुद्दत के बाद। क्या, मैंने तो कुछ किया, मैंने पहले चिल्लाने लगी। आज फिर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अरे यार क्या मुसीबत है, कौन से मनहूस घड़ी में हमारी शादी हुई थी? मुझे लगता है हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे मगर हमारी सुहागरात नहीं हो पाएगी। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मैं देख कर आता हूँ। अरे कौन है यार? हे भगवान क्या, अरे ठहरो, कौन है? अरे क्या तभी देखे नहीं तू लोग? मेरे घर में क्या कर रहा तू लोग? अरे तुम्हारे घर में जहरीला सांप घुसा है। अरे मैं इधर हूँ। अरे आप जल्दी से उछल के पलंग में बैठ जाओ, कहीं सांप ने काट लिया तो सुहाग की सेहत सजाने के बजाय आरती की सेहत सजानी पड़ जाएगी। ये कोई सुहाग रात है? बीवी पलंग में उखड़ू बैठी है, मियाँ कबाड़ पे चढ़ के बैठा है, और सपेरा घर में बीन बजा रहा है। अरे यहाँ कुछ नहीं मिला, चलो बाजू वाले मकान में देखते हैं। आओ जल्दी आओ। क्या रहा भाई? अरे भाई सपेरे, तू क्या खाली बीन बजाता रहेगा? सांप को भी पकड़ना? ऐसा नहीं हो कोई ये सांप तो पकड़ा नहीं जाए, शहर भर के सारे सांप मेरे घर में घुस आए। ये मेरा घर है, कोई सांपों की धर्मशाला नहीं है। अरे सुनता है कि नहीं ये? सुबह हो गई? अरे पूरी सुहागरात कबाट के ऊपर निकल गई। छी, जालिम जवानी भी है यार, रात सुहानी भी है, हाथ में शराब भी है यार, मजा आ जाए जो साथ में शबाब भी आ जाए। बॉस फिकर नॉट, अपने बंदे गए ना धंधे पर, अभी लेकर आते होंगे भड़कती हुई चिड़िया को लेकर।
अभी है ना, आ जा। अबे उल्लू के पट्ठो, खाली हाथ क्यों आ रहे हो? हमारे मन के घोंसले में फुदकने वाली वो चिड़िया कहाँ है सुजाता? वो फुदक के किसी दूसरे के घोंसले में बैठ गए गुरु। यार तो प्रिया को लाना था ना। प्रिया मनिस्टर को प्यारी लगी, उसके साथ चले गई। अबे घोचू, किसी और को ले आना था यार। अरे गुरु, साधना, 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 साधना। वो क्या है कि गुरु, वो साधना है ना कि वो, अबे बोलना, वो बहुत बड़े आदमी के साथ चले गए गुरु। बड़ा आदमी? अबे हमसे बड़ा कौन आदमी हो सकता है? जोगी बाबू बोल शशि, वरना तेरी गर्दन की हड्डी को पेट में उतार दूंगा। बोल बोल। उसे आपके पिताजी ले गए। मेरे बाप ले गया? अरे ये क्या, कौन है वो खिलाड़ी जो शिकारी का शिकार करना चाहता है? सामने आओ। मैं हूं जोगिंदर। आशा? इसका मतलब? अरे बुद्धू, उस दिन तो मेरी मत मारी गई थी जो तुम्हारी माला की कदर ना कर सकी। पछतावा हो रहा है मुझे, महीनों से तड़प रही हूँ तुम्हारी बन जाने के लिए। आशा, ये तुम कह रही हो? तुम तो अमर से प्रेम करती हो ना? मूर्ख हो तुम, करती थी। जब प्रेम ही नहीं रहा तो प्रेम कहाँ रहेगा? अब तो तुम ही मेरे प्रेमी हो और तुम ही मेरे अमर। मतलब? अरे वारे ऊपर वाले, अक्सर प्यासा कुएं के पास जाता, या तो कुआं का कुआं प्यासे के पास आ गया। मेरी जाने मन, मेरी सब कुछ। चलो अंदर चलते हैं, सेज कब से सुनी पड़ी है उसे आबाद कर दो। ऐसी भी क्या बेसब्री है, जरा इन हड्डियों को तो हटा दो। इन हड्डियों को अभी लो, हटाए देते। चलो चलो चलो, आउट आउट आउट। गुरु किधर? अबे यार समझने की कोशिश कर बेवड़ो, चिड़िया घोंसले में आ चुकी है। चलो आउट 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 आउट। समझ गया समझ गया। ओए ओए ओए, इस तरफ इस तरफ जाना।
साल मेरा ये जीरा दर्द हो लगा सोलवा साल मेरा ये जीरा दर्द हो मेरे तन में आग लगे जब सारी दुनिया सोए मेरे नैनों में बस जाना आधी रात को अरे कुंडी धीरे से हाय कुंडी धीरे से और कुंडी धीरे से लगाना आधी ये क्या हो गया ये सब कैसे हो गया
किसने इतनी बेदर्द से मार डाला तुझे? पूरे एरिया को घेर लो, हरी अब। इस लाश का और तमाम चीजों का फोटो लो। इंस्पेक्टर, ये क्या है? ये सब क्या है? मैं पूछता हूँ, आपका डिपार्टमेंट इतना नाकारा और नपुंसक हो गया है? अभी तक आपने मेरे पार्टनर के कातिल का पता नहीं लगाया और अब मेरे इकलौते बेटे का कत्ल कर दिया गया है। आखिर ये क्या हो रहा है? What the hell is this happening? ठाकुर साहब, शांत हो जाइए। Please come down. We are trying our best. आप भी हमारी मदद कीजिए। ये तो बताइए आपका दुश्मन कौन है? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? अगर मुझे मालूम होता कि मेरा दुश्मन कौन है तो मेरे बेटे की जगह उसकी लाश होती। ये तलाश करना आपका काम है। That's your bloody business! सर, जोगिंदर सिंह के शरीर पर और उस चाकू पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो सब एक ही इंसान के हैं। ये निशानात एक लड़की की उंगलियों के हैं सर, और ये खून किसी लड़की ने ही किया है। ये देखिए सर, उस दिन मदन लाल के खून के ताल्लुक से भी एक लड़की सामने आई थी, आशा। सोलंकी ने उसे पहचान तो लिया था लेकिन जानबूझकर इनकार किया था। आज जोगिंदर के खून के ताल्लुक से भी एक लड़की के फिंगरप्रिंट सामने आए हैं। इसका मतलब है दोनों खून एक ही लड़की के हैं। उस दिन तो मुझे सिर्फ शक था, आज पूरा यकीन हो गया है कि दोनों खून आशा ने ही किए हैं। सर आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्या? मेरे बेटे का खून एक लड़की ने किया है? हाँ ठाकुर साहब, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पुलिस का यही कहना है। हाँ सर, वो लड़की और कोई नहीं आशा ही है। आशा? हाँ ठाकुर साहब, उस रात आशा फार्म हाउस में आई थी, फिर आशा और जोगिंदर बाबू दोनों अकेले थे। आशा ने ही जोगिंदर बाबू का खून किया है सर। हाँ आशा, पुलिस को शक ही नहीं बल्कि यकीन हो गया कि वो खून तुमने किए हैं, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ कभी भी आ सकती है। इसलिए मेरी मानो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे अपनी गिरफ्तारी या मौत का कोई गम नहीं, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा काम अधूरा रह जाए। अपने आखिरी शिकार को ठिकाने लगाने के बाद मैं खुद ही अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब! अरे तुम ये क्या कर रही? डॉक्टर, विजय साहब को कुछ गुंडे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। डॉक्टर विजय को गुंडे ले गए? कौन थे वो लोग? मैं जानती हूँ, ये गजेंद्र सिंह का ही काम है। लेकिन डॉक्टर विजय ने उसका क्या बिगाड़ा है? गजेंद्र बड़ा चालाक है, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वो मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए चाल चल रहा है। वो जानता है कि मैं डॉक्टर विजय को छुड़ाने के लिए उसके इलाके में जरूर जाऊंगी। लगता है आज ही गजेंद्र के क्रियाक्रम का कार्यक्रम बनाना होगा। प्लीज चलो, तुम निकलो यहां से, मैं संभालता हूं। जल्दी जल्दी! अरे अब ऊपर देखो जल्दी! अरे 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 अरे, क्या कर रहे? क्या आदमी है यार, क्या बात है? क्या तलाश कर रहे हैं? आशा कहाँ है? आशा? मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसको। मैं आपके पास आ रहा था कंप्लेंट लिखाने के लिए। अच्छा वो आप आ गए, मेरी कंप्लेंट लिखिए। शट अप, कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखाना। हाँ चलो वहीं चलते हैं। अरे हाँ, डॉक्टर विजय का कुछ पता चला? क्या मतलब? अरे तुम कैसे पुलिस वाले, तुमको पता नहीं है डॉक्टर विजय का किडनैप हो गया? क्या? देख डॉक्टर, तेरा पेशा है लोगों की जिंदगियां बचाना, लेकिन आज तेरी अपनी जिंदगी खतरे में है। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो बता फिर, आशा ने मेरे बेटे और मेरे पार्टनर का खून क्यों किया? कौन सी ताकत है उसके पीछे? बोल! अमर! अमर, बकवास करता है तू? अमर तो मर चुका है। हाँ अमर तो मर चुका है, और तुम कमीनों ने उसे मारा है, तुम लोगों ने। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने अमर की लाश गायब की और उसका दिमाग निकालकर आशा के सर में लगा दिया। अब अमर की सारी ताकत और याददाश्त आशा के अंदर आ गई है, आशा के अंदर आ गई है। तुम तीनों की काली कर दोते हैं। अमर के दिमाग ने आशा की जुबान से बयान कर दी है। इट इज इम्पॉसिबल। और आशा ने कसम खाई है कि अमर की मौत का बदला तुम तीनों को मौत के घाट उतार कर ही लेगी। दो का काम तो तमाम हो चुका है, अब तेरी बारी है गजेंद्र, अब तेरी बारी है। तो इस सारे फसाद की जड़ तू है। मैं उस लौंडिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा
मैं उसका शरीर और अमर का दिमाग कुचल कर रख दूंगा। ये इतना आसान नहीं है गजेंद्र जितना तू समझता है, बल्कि नामुमकिन है। आशा एक गाइडेड मिसाइल बन चुकी है जो तेरे जुर्म की दुनिया पर गिरने वाली है। हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे बेटे का खून करने वाली डायन, मैं तेरे शरीर के खून का एक एक कतरा निकालकर अपने बेटे के खून का बदला लूंगा। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू चीख चीख कर मौत को पुकारेगी। इस भरम में मत रहना गजेंद्र, क्योंकि तेरा भी मेरे हाथों वही अंजाम होगा जो तेरे बेटे और पार्टनर का हुआ था। मैं तुझे भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिस तरह तूने मेरे अमर को मारा था। मैं जानता हूँ लौंडिया कि ये तू नहीं, तेरी खोपड़ी के अंदर जो अमर का दिमाग है वो बोल रहा है। लेकिन आज मैं इस दिमाग को भून कर रख दूंगा, गोलियों से छलनी छलनी कर दूंगा मैं इसे। गुड बाय दोस्तों, आज
मैं बाबुल का घर छोड़कर ससुराल जा रही हूँ। अपने अमर के पास मुझे अच्छा नहीं हंसी खुशी विदा करो। अच्छा गुड बाय। अच्छा, 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 अच्छा।